हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि तोमर और आपका स्वागत है इकोनॉमिक्स के इस डिटेल्ड सेशन में। बच्चों, आज हम टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो रहेगा हमारा क्या, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक होता है जिसको इनडायरेक्ट या डायरेक्टली कई बार कनेक्ट करके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि क्या, जैसे कि किसी की स्थापना कब हुई या इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है इत्यादि इत्यादि। मेंस की यदि हम बात करें तो जनरली होता क्या है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का यदि कभी डिसीजन आता है तो उसके एस्पेक्ट में कभी कभी गवर्नमेंट क्वेश्चन पूछ लेती है। सब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या आपको लगता है कि ये डिसीजन सही है, या भारत सरकार यदि भारत किसी का मेंबर बन गया, मान लीजिए MTCR का मेंबर बन गया है या NSG का मेंबर बन गया है, इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। तो इस तरीके के क्वेश्चन मेंस को कनेक्ट करते हुए आते हैं। ठीक है बेटा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है ये प्री के एस्पेक्ट से है, तो आप थोड़ा सा फोकस करके ध्यान से इसको करेंगे। सबसे पहला हम ले रहे हैं वर्ल्ड बैंक। एक चीज़ बच्चों याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक और इससे अगली जो आने वाली संस्थाएं हैं IMF, ये दोनों एक ही वर्ष में स्थापित हुई थी। यानी इनको बनाने का जो वर्ष है, इनका जो बिल पास हुआ था वो एक साथ ही पास हुआ था। इम्प्लीमेंटेशंस के ईयर यानी कि वास्तविकता के जो इनके ईयर है बनने के, वो अलग अलग है। लेकिन मैं फिर से बता दूँ, कुछ किताबों में दोनों के साथ जो है आपके एक साथ दिए हुए हैं, क्योंकि इनका जो बिल पास हुआ था वो एक ही दिन पास हुआ था अमेरिका के अंदर। कहाँ पर? Washington DC में। इसलिए इन दोनों के आप हेडक्वार्टर देखोगे तो Washington DC में ही मिलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं किस काम आती है वर्ल्ड बैंक, जिसे विश्व बैंक भी कहा जाता है। इसकी स्थापना सन 1945 में हुई। कुछ जगह यदि आपको 1944 दिखता है तो आप गलत नहीं मानेंगे। ठीक है, और कहाँ कुछ कुछ जगह आपको 1945 इसके बारे में भी दिखाई दे सकता है, जो मुझे लगा कि मोस्ट एक्यूरेट है मैंने मेंशन कर दिया है, पर इसमें कॉन्ट्राडिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये श्योर है कि इन दोनों का जो बिल हुआ था वो डेफिनेटली 1944 में पास हुआ था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में अलग अलग साल आ जाते हैं। दोनों की स्थापना हुई, दोनों के हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इनका हेडक्वार्टर आता है Washington DC USA के अंदर। भारत और विश्व बैंक के यदि संबंध की बात करते हैं तो भारत उन 17 देशों में से एक देश था जिसने ब्रेटन वुड समझौता, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ब्रिटेन नहीं है बच्चों, ये ब्रेटन है। ब्रेटन वुड जो डिस्पैच हुआ था, ब्रेटन वुड जो समझौता हुआ था, जो जून 1944 में हुआ था, उस एजेंडा के तहत भारत क्या बन गया था, इसका संस्थापक सदस्य। संस्थापक सदस्य बच्चों उन देशों को कहा जाता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के आधार, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन के बनने से पहले या बिल पास होने से पहले उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसे अपना क्या दे रहे होते हैं, एक तरीके से यस कर रहे होते हैं कि हाँ हम आपके साथ हैं। ठीक है बेटा, तो इस कंडीशन में इंडिया और वर्ल्ड बैंक की बात करें तो हाँ, भारत विश्व बैंक का क्या है, हिस्सा है। ये तब से ही हिस्सा है जब ये पहली बार स्थापित हुआ था ब्रेटन वुड समझौते के तहत। कब? जून 1944 के तहत। टिप्पणी की यानी किसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, इसका कार्य क्या है। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक समूह विकास के हर प्रमुख क्षेत्र से कार्य करता है। यह वित्तीय उत्पादों और तकनीकी सहायता की एक विस्तृत श्रृंखला है। वित्तीय उत्पादों और तकनीकी सहायता यानी किसी देश को यदि टेक्निकल सपोर्ट चाहिए या टेक्नोलॉजी वाइज कोई सपोर्ट चाहिए, यदि मान लीजिए कि हमारे इंडिया में क्या है, पानी की यदि प्रॉब्लम है और एक हमें क्या चाहिए, एक तरीके का सिस्टम चाहिए जिससे हम पानी क्या कर सके, कंजर्व कर सके, तो ये हमारी सहायता करेंगे। वित्तीय उत्पाद का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि कोई ऐसा बिजनेस, आपने देखा होगा कि भारत सरकार कई बार जब रोड का निर्माण करवाती है उसमें क्या होता है, विश्व बैंक का क्या होता है, अनुदान होता है। ये बहुत प्रोजेक्ट में आपने सुना होगा। तो ये क्या करता है कि यदि किसी का कोई वित्तीय उत्पाद बनाना है या कहीं तकनीकी सहायता की आवश्यकता है तो विश्व बैंक इसके साथ जितने भी सदस्य मेंबर सदस्य हैं उन सभी को क्या करता है, प्रदान करता है, क्या लोन प्रदान करता है। टोटल मिला के 189 सदस्य। जनरली याद रखिएगा कि वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल IMF बैंक के लगभग इक्वली सदस्य रहते हैं। कभी कभी कोई देश छोड़कर चला जाता है, वो एक अलग बात होती है। ठीक है, इसके बाद में क्या कर रहा है, और देशों को उन चुनौतियों का सामना करने के लिए नवीन ज्ञान समाधान साझा करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। तो वर्ल्ड बैंक एक तरीके से एक ऐसा बैंक हो गए जो अपने जितने भी इसके सदस्य मेंबर सदस्य हैं, जितने भी इसके सदस्य देश हैं, उन सभी को तकनीकी वित्तीय सहायता, जितनी भी उनको क्या चाहिए, नवीन ज्ञान चाहिए या कोई समस्या उसका समाधान चाहिए, इस सभी के लिए फाइनेंशियल हेल्प प्लस टेक्निकल हेल्प प्रदान करता है। कौन? वर्ल्ड बैंक। एक और चीज़ फिर दोबारा से याद रखिएगा कि विश्व बैंक और IMF का जो स्थापना हुई थी वो ब्रेटन वुड समझौते के तहत एक ही किससे हुई थी, एक्ट से हुई थी, जो जून 1944 के अंदर पास हुआ था। नाम था ब्रेटन वुड डिस्पैच। क्या नाम था? ब्रेटन वुड डिस्पैच। इंग्लिश में सही लिखा हुआ बच्चा।
अब हम बात करेंगे IMF की, जिसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या कहा जाता है हिंदी में? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बच्चों वैसे इस चैप्टर को जनरली पढ़ाते नहीं है, नोट्स दे देते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है यदि आप एक दो टीचर यदि जब बोलता है तो एक दो लाइन एक दो शब्द ऐसे याद रह जाते हैं जिससे एग्जाम में इसको याद रखना पाना आसान हो जाता है। मेरे साथ ऐसा होता है, इसलिए मैंने इस चैप्टर को इंक्लूड कर लिया ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सिलेबस कहीं से कुछ भी छोड़ा गया है, मैंने सिलेबस कंप्लीट आपका कवर किया है। चलिए इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना भी सन 1944 के ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत ही हुई थी। कुछ जगह 1945 भी लिखा हुआ है क्योंकि कुछ लोग मानते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन 1945 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका भी वही है यानी कि वॉशिंगटन DC अमेरिका के अंदर। इसके सदस्य की बात करें टोटल मिला के 189 सदस्य है। भारत भी इसका मेंबर है और भारत इसका भी संस्थापक मेंबर है क्योंकि समझौते के तहत भारत क्या था इसके साथ पार्टिसिपेटरी था। IMF और वर्ल्ड बैंक की बात करें तो भारत क्या हुआ 27 दिसंबर 1945 को जब इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था इसका सदस्य बन गया था। वही मैं जो आपको मैंने बोला कुछ लोगों ने 1945 लिखा हुआ है, तो यदि कन्फ्यूजन हो तो मेरे हिसाब से जो आप याद रखिएगा आप हमेशा ये बोलेगा सन 1944 में ब्रेटन वुड समझौता पास हुआ था, सन 1945 में दो नई संस्थाओं के रूप में ये जमीनी स्तर पर आया, किस किस के? वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के। टिप्पणी की बात करें, टिप्पणी का मतलब ये क्या काम करता है, तो IMF आपको क्या करता है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता यानी किसी भी देश का जो वित्तीय ढांचा है, किसी भी देश का जो वित्तीय ढांचा है उसकी स्थिरता को बनाने के लिए क्या करता है, सहायता करता है। अब मैं यदि आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भारत का जो वित्तीय ढांचा है उसमें अस्थिरता कब आई, तो आपको याद आता होगा 1991 के अंदर भारत के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से हमने लोन लिया था क्योंकि हमारे देश के अंदर वित्तीय आपातकाल जैसी स्थिति हो गई थी और IMF ने ही हमें बोला था कि अपनी वित्तीय समस्या का समाधान करने के लिए अपनी बंद अर्थव्यवस्था को कैसी अर्थव्यवस्था में बदल दीजिए, खुली अर्थव्यवस्था में, याद आ रहा है। और इसी के चलते मनमोहन सिंह जी ने क्या लागू किया था, LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और आपका वैश्वीकरण लागू किया था। तो ये वही IMF है जिसने सहायता की थी, कब 1991 में कब की थी, क्यों की थी, क्योंकि हमारा जो वित्तीय ढांचा था, किसी भी देश का जो वित्तीय ढांचा जब जब गड़बड़ाता है तब तब सहायता कौन करता है, IMF करता है। विनिमय की दो प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय भुगतान जो दो, इसके साथ ही IMF का एक काम और है बच्चों, यदि किन्हीं भी दो देशों के बीच में, किसी भी दो देशों के बीच में मान लीजिए एक कंट्री वन है और एक कंट्री टू है, इनके बीच में कोई व्यापार हुआ है, किसी भी तरीके का व्यापार हुआ है और इन दोनों में यदि असमझ पैदा होती है यानी किसी चीज़ पर विवाद उत्पन्न होता है, तो ये अपने विवाद का निपटारा करने के लिए IMF के नियमों को लागू कर सकते हैं या अपने विवाद को लेकर IMF के सामने जा सकते हैं कि इनमें से किसकी बात मानी जाए। तो इस तरीके का जो सहायता होता है वो प्रदान करता है कौन, IMF। तो IMF एक तरीके से क्या करेगा, वित्तीय ढांचे में आपको क्या करेगा, सॉल्यूशन भी देगा और बहुत बार IMF क्या देता है, आपको वित्तीय ऋण भी देता है। तो ये सारे काम रहे किसके, IMF के। तो अब मैं यदि आपसे पूछते हूँ IMF क्या करता है, तो आप बोलोगे किसी भी देश की जो इकोनॉमिकली यदि ढांचा अस्थिर होता है, ध्यान रखिएगा केवल और केवल इकोनॉमिकली। यदि वर्ल्ड बैंक की बात करोगे, वर्ल्ड बैंक बात करता है किस पर, ये बात करता है शिक्षा पर, ये बात करता है विमेन एम्पावरमेंट पर, ये बात करता है आपका क्या, बच्चों की हेल्थ पर, हेल्थ एजुकेशन पर, इत्यादि पर। लेकिन ये बात कर देगा, IMF की बात करूँगी, ये केवल और केवल किस पे बात करेगा, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर बात करेगा, किसकी, देश की। यानी देश में यदि वित्तीय अस्थिरता है तो कोई ना कोई ये तो सॉल्यूशन देगा या ये क्या करेगा, ऋण देगा, या दो देशों के बीच में यदि किसी भी चीज़ का विनिमय का क्या है, कुछ विवाद है, तो उसको सुलझाने में भी हेल्प करता है कौन, IMF। तो इस मुझे लगता है यहाँ पे IMF का आपका मोटा मोटा स्ट्रक्चर आपको समझ में आता होगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब अगली संस्था हमारी कौन सी आती है उस पर हम देखते हैं। अगली संस्था आती है बच्चों आपका क्या, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पहला और आखिरी पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। क्या ये हमेशा से विश्व व्यापार संगठन था, आप बोलोगे नहीं, सन 1995 से पहले भी यह था पर इसका नाम था GATT। क्या नाम था, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। क्या नाम था,
जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है बेटा, तो गेट जो था सन 1995 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया और इसको क्या बोला गया, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस हिसाब से इसकी स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 1995 में। इसका हेडक्वार्टर है आपके जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसके कुल मिलाकर बहरहाल जो मेंबर है वो है बेटा 164 इसके मेंबर है। 22 देशों की सरकारें ऑब्जर्वर है, जिसका मतलब होता है पर्यवेक्षक, यानी कि क्या करती है, निगरानी रखती है कि कहीं कुछ गलत ना हो रहा हो। कुछ अपडेट उन्होंने दिया है कि 2016 में लाइबेरिया एक देश जो इसका मेंबर बना है और 2016 में ही अफगानिस्तान मेंबर बन गया है, किसका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। अब सबसे बड़ा काम किया कि क्यों इस संस्था का प्रयोग किया है, तो आपको इसमें शब्द में से एक चीज़ दिखाई दे रही होगी अच्छे से, ट्रेड। ये बात कर रहा है किसकी बेटा, ट्रेड की। ये बात कर रहा है किसकी, व्यापार की, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के। यदि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यापार हो रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यदि कोई व्यापार है तो आप बताओ कि किस करेंसी में होगा, यानी किस मुद्रा में होगा, मुद्रा का जो विनिमय रहेगा यानी कितना रुपया कितने डॉलर में होगा, मुद्रा का विनिमय किस आधार पर होगा, ये डिसाइड करता है। ठीक है, और साथ ही साथ में क्या करता है, जो आपका व्यापार होना है उसके नियम कौन डिसाइड करता है, ये करता है। और साथ ही साथ यदि कोई मुद्दा आता है, किसी दो देशों की झड़प होती है, वो तो एक दूसरे से खुश नहीं है, या कोई किसी एक देश ने दूसरे देश से क्या ले लिया, उत्पादन ले तो लिया है पर उसका पेमेंट नहीं किया है, तो ये सारे काम कौन करेगा, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और कितने व्यापारिक सदस्य बन गए हैं इसके, 164 मेंबर इसके बन गए हैं। क्या करता है वो देखिए, विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को कम करने और सभी के लिए एक स्तर का व्यापारिक क्षेत्र सुनिश्चित करता है, यानी एक जैसे एक नियम कानून सबके लिए बनाता है, एक मंच प्रदान करता है, समझौते करता है, आर्थिक विकास में क्या करता है, योगदान देता है। ठीक है, WTO में होने वाले व्यापार समझौते, यदि दो देश यदि मान लीजिए ये भारत है और ये पाकिस्तान है, इसने यदि कुछ भी व्यापार आपस में किया है किसके अंडर में, WTO के अंडर में, यदि इनमें से कोई भी कुछ गलत करता है तो WTO उसके करंट में क्या दे सकता है, अपना डिसीजन दे सकता है। ठीक है बेटा, तो ये WTO हुआ, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेगा। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा कि इंटरनेशनल पर दो देश या अधिक देश या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार हो सके उसके लिए एक बेसिक ढांचा तैयार करेगा, नियम कानून बनाएगा, उनके विवादों का समाधान भी करेगा, कौन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब अगली हमारी संस्था आती है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, BIS। ठीक है, ये क्या करता है BIS बेटा, मैंने आपको बैंकिंग का एक चैप्टर बताया था, बैंकिंग का एक चैप्टर हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, वहाँ हमने एक वर्ड यूज़ किया था बासेल, याद आ रहा होगा आपने, बासेल 1, बासेल 2, बासेल 3 मैंने आपको बताया था। तो बस ये संस्था बैंकिंग से रिलेटेड है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी बैंकों को ये सुझाव देती कि अपने आप को कैसे मजबूत किया जाए। चूँकि ये बैंकों से रिलेटेड संस्था है, इसलिए हर देश का जो केंद्रीकृत बैंक होता है, यानी भारत का जो केंद्रीकृत बैंक है वो क्या है, RBI है। तो हर देश का जो केंद्रीकृत बैंक होता है वो इसका क्या होता है, मेंबर होता है। अब समझते हैं क्या, इसकी स्थापना हुई थी सन 1930 में मई 17 को, कब हुई थी, मई 17 1930 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये री जगह बेसल स्विट्जरलैंड, क्योंकि ये स्विट्जरलैंड में बैठक हुई थी इसलिए इसके बाद इसके नाम क्या पड़ गए, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3, जो हम हाल फिलहाल फॉलो कर रहे हैं। सदस्यों की बात करें तो विभिन्न देशों के 60 केंद्रीकृत बैंक, जैसे कि मैंने बोला कि हर देश का जो केंद्रीकृत बैंक है वो इसका क्या रहेगा, सदस्य रहेगा, तो भारत भी क्या है, इसका सदस्य है, यानी भारत देश का केंद्रीकृत बैंक का नाम क्या है, RBI, तो RBI भी क्या है, इसका मेंबर है। अब इसकी टिप्पणी की बात करें, यानी बेसिकली ये काम क्या करता है, तो इसका काम होता है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, केंद्रीय बैंकों के लिए एक बैंक के रूप में कार्य करना, मौद्रिक व वित्तीय जो स्थिरता है उसके लिए सुझाव देना और आवश्यकता पड़ने पर गाइडलाइन प्रोवाइड करना। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका क्या, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये आपको ऐसे कनेक्ट करके याद भी रहेगा। अब आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बच्चा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक्चुअली याद रखिएगा, एक जो शब्द पहले याद रखोगे आप लोग, ये प्राइवेट कंपनी का ग्रुप है। ठीक है, एक तरीके से क्या है, प्राइवेट कंपनी, यानी वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी उनका एक ग्रुप है। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ है ये।
इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। ये करती क्या है वो देखो, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दुनिया की 1000 अग्रणी कंपनी यानी 1000 टॉप मोस्ट जो कंपनियां हैं को एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए क्या करता है, मंच प्रदान करता है। यानी यहाँ 1000 जो टॉप मोस्ट कंपनियां उनके सीईओ उनके एमडी वगैरह इकट्ठे होते हैं, डिस्कस करते हैं कि दुनिया को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। एक सदस्य संगठन के रूप में फोरम परियोजनाएं व्यवसायों को ऑनलाइन ऑनलाइन उद्योग क्षेत्रीय प्रणाली मुद्दों पर सहायता प्रदान करता है। जैसे कि मैंने बोला कि अपने अपने देश में आप क्या क्या आप हेल्प कर सकते हो या किसी भी उत्पादन से किसी भी देश की कैसे सहायता की जाती है, ये सारा डिस्कशन यहाँ किया जाता है। ये क्या करता है आप देखिएगा, ये पब्लिक प्राइवेट कॉरपोरेशन की तरह काम करता है, यानी गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहता है, यानी देश को या फिर किसी भी समस्या से देश को निकालने की क्या करता है, ये सुझाव देता है। सरकार ने एक और जो चीज़ की थी, इन्हीं 1000 जो अग्रणी कंपनी है इनको मेंबर बनाया गया है भारत सरकार की तरफ से, किससे, संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन का भी क्या बनाया गया, मेंबर बनाया गया। अब इस छोटी सी चीज़ को यहाँ रखो, क्वेश्चन कैसे आता है, जलवायु परिवर्तन समझौता हुआ। अब एक बात बताइए, यदि ये टॉप मोस्ट 1000 जो कंपनीज हैं यदि ये अच्छे खासा अपना अनुदान दे और क्या करे इन्वायरमेंट के लिए काम करे, तो इनका जो इम्पैक्ट है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होगा, इवन किसी एक अकेले देश की तुलना में भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए एक समझदारी वाला काम क्या किया गया कि जब 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन हुआ, इन सबको आमंत्रित किया गया कि आप आइए और क्या कीजिए, जैसे आप क्या कर रहे हो वर्ल्ड के और क्या बोलते हैं अग्रसर करने के लिए, वर्ल्ड को बेटर बनाने के लिए काम कर रहे हो, अब आप जलवायु को बेहतर बनाने के लिए काम करिए। और बहुत मोटा डोनेशन इन लोगों ने क्या दिया है इस चीज़ के लिए दिया है, और अपनी प्रतिबद्धता भी जताई है कि हम क्या करेंगे, एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये वाला आपका पॉइंट हुआ यहाँ पे। अब चलते हैं अगले में, क्या कह रहा है हमें द एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये क्वेश्चन आ जाता है बहुत प्यार से, बहुत बार पूछते हैं कि एशियन डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, या भारत इसका सदस्य मेंबर है या नहीं है। ठीक है बेटा, एशियन विकास बैंक, इसकी स्थापना सन 1966 में 19 दिसंबर को हुई। इसको कोशिश कीजिएगा कि आप याद रख लें। इसका मुख्यालय पड़ता है मंडल युगोंग मेट्रो मनीला यानी फिलीपींस के अंदर पड़ता है, आप इतना सा याद रख सकते हैं। इसकी सदस्यता की बात करें तो जब 1966 में ये बना इसमें 31 सदस्य थे, ठीक है, अब इसमें क्या हो गया 67 सदस्य हो गए हैं और कैसे कैसे बड़े इन्होंने बताया हुआ है। भारत और एशियन बैंक की बात करें तो भारत इस क्या है एशियन बैंक का भी संस्थापक सदस्य है, और सबसे चूंकि ये बैंक है इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाला वर्ल्ड का चौथा देश भी है, चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक भी है। क्या करता है, चूंकि एशियन बैंक है तो ऑब्वियसली क्या करता है एशिया में विभिन्न क्या करता है एशिया के जो विभिन्न मुद्दे हैं किस किस से रिलेटेड, गरीबी से मुक्त करना, विकासशील देशों को गरीबी से क्या कराना फ्री करना, वहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर है उसको मजबूत करना बेहतर करना, वहाँ शिक्षा वहाँ हेल्थ इत्यादि को प्रोवाइड करने के लिए आप क्या करना पैसे वगैरह देना लोन देना, ये कराता है कौन एशियन डेवलपमेंट बैंक। आप यदि इस साल की स्कीमें उठाओगे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी स्कीम्स में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपना अनुदान दिया है, किसको, भारत देश को भी दिया है, कई बार स्टेट गवर्नमेंट को भी अनुदान दे देते हैं। क्या करते हैं लोग, ये लोन देते हैं, तकनीकी सहायता देते हैं, या कभी कभी वर क्या देते हैं फ्री कर देते हैं, यानी ग्रांट यानी कि अनुदान भी देता है कौन ADB। सेम वही वर्ल्ड बैंक का भी यही काम है कि वर्ल्ड बैंक भी क्या करता है लोन देता है, टेक्निकल हेल्प भी देता है, कई बार ग्रांट भी देता है कौन वर्ल्ड बैंक। अब आता है NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी अभी बना है। फोर्टालेजा पड़ता है आपके यहाँ के क्या नाम है, अब ब्राज़ील में पड़ता है। तो बेटा हुआ क्या था कि सन 2014 में ब्रिक्स जो समिट था, थोड़ी देर में बताऊंगी, आपको पता ही होगा, बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, ठीक है, सी से कौन सा हो गया आपका चाइना, आर से साउथ अफ्रीका हो गया। इन लोगों की समिट हुई थी 2014 में कहाँ पे, फर्टिलेजा में, जो कि ब्राज़ील में पड़ता है। वहाँ एक नए बैंक की स्थापना की गई, इस बैंक को बोला गया क्या न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। अब आपसे बोले संस्थापक सदस्य कौन थे, तो ऑब्वियसली ये जो 5 मेंबर है ये क्या हो गए न्यू डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक सदस्य हो गए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, शंघाई चीन में है, सी का मतलब चाइना, आपको पता ही चल गया। इसकी सदस्य की बात करें तो इसकी सदस्यता क्या है, सभी इसके मेंबर है, लेकिन याद रखिएगा किसी भी
सदस्य की जो आपकी क्या बोलते हैं वोटिंग पावर जो होती है एनडीबी के अंदर लगभग लगभग इक्वल मानी जाती है, और किसी की भी पावर 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती है, ये इन्होंने रूल बना रखा है। भारत के पास कितने शेयर हैं इसके, तो भारत के पास इसके 20% लगभग शेयर है। एनडीबी करता क्या है, लगभग वही काम करता है जो आपका बात करता है कौन वर्ल्ड बैंक करता है, जो आपका कौन करता है एशियन डेवलपमेंट बैंक करता है, ठीक है। लेकिन इसका कार्य क्षेत्र ज़्यादातर कहाँ सीमित रहेगा, ब्रिक्स देशों तक सीमित रहेगा, ठीक है। जब एडीबी की बात करोगे तो एशियन देशों तक रहेगा, जब वर्ल्ड बैंक की बात करोगे तो पूरे विश्व तक रहेगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो एशिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए निवेश करने वाला बैंक क्या कहलाया आपका, AIIB। और जैसे ही हमने इसको समझा तो हमें समझ में आया कि AIIB क्या करता है कि एशिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी संस्थागत सुविधाएं, यानी कि क्या सड़क बनाना, स्वास्थ्य, पानी, जितनी भी आपकी प्राथमिक सुविधा जो होती है, इसको बेहतर बनाने के लिए या इसको स्थापित करने के लिए निवेश करने वाला बैंक, यानी कि लोन देने वाला एक तरीके का बैंक। इसकी स्थापना हुई 16/16 को, यानी 16 जनवरी 2016 को, ठीक है। इसका बिल जो पास हुआ था अगेन 25 दिसंबर 2015 को पास हुआ था। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग चाइना में। तो यदि मैं आपसे पूछूं दो चीज़ों के हेडक्वार्टर हम तक अभी तक हमने चाइना में पढ़े, तो आप बोलोगे क्या, एक तो था एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक और दूसरा क्या था, AIIB। इन दोनों के हेडक्वार्टर क्या है, बीजिंग चाइना के अंदर। इसके सदस्य की बात करें तो 56 सदस्य है, सदस्य राज्य है, राज्य का मतलब आपका यहाँ पे देश है, 56 इसके टोटल मिला के इसमें क्या है, देश है। कितने किस देश ने इसमें कितना फंड दे रखा है, तो बस मोटा मोटा याद रखना है कि चीन ने सबसे ज़्यादा आपको क्या दे रखा है इसके अंदर, फंड दे रखा है। दूसरे नंबर पर आ जाता है क्या, भारत। टिप्पणी की बात करिए, यानी कि ये जो आपका बैंक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, कौन कौन सी बुनियादी सुविधाओं के लिए ऋण देता है, तो ये देता है ऊर्जा के लिए ऋण देता है, परिवहन के लिए, दूरसंचार के लिए, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए, कृषि विकास के लिए, जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए, पर्यावरण संरक्षण और शहरी विकास के लिए, इत्यादि के लिए कौन देता है ऋण आपका, AIIB, जिसका हेडक्वार्टर है आपके चीन शंघाई के अंदर। यूरोपियन यूनियन हाल फिलहाल तो नहीं, लेकिन एक दो साल पहले काफ़ी चर्चा में रहा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन से एक सदस्य ने अपनी क्या कर ली थी, सदस्यता समाप्त कर ली थी, उसका नाम है इंग्लैंड, यानी कि यूके, यूनाइटेड किंगडम ने। तो यदि इसकी बात करें ये कब बना, तो 1 नवंबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। टोटल मिला इसके 28 सदस्य थे। अब बच्चों है कितने, 27 एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा कि इंग्लैंड को यानी कि यूनाइटेड किंगडम को हटाने के बाद यूरोपियन यूनियन में बचे हुए सदस्य कितने हो गए, 27 देश सदस्य रह गए हैं। तो इन्होंने वही बताया कि यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपीय संघ से वापस की प्रक्रिया शुरू कर ली है, बहरहाल वो समाप्त हो चुकी है और वो उससे अलग हो चुका है, प्रोबेशन पीरियड में चल रहा है एक साल के। प्रोबेशन पीरियड का मतलब एक साल के अंदर वो अपने समझौते क्या करेगा, धीरे धीरे ख़त्म करेगा और अपनी इकोनॉमी को ट्रांसफर करेगा किस पे, अन्य वर्ल्ड के देशों के साथ। अब आता है एशियन बैंक, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साउथ ईस्ट एशियन, यानी कि दक्षिण पूर्वी देशों का, यानी एक ऐसा एसोसिएशन है, एक ऐसा लोगों का, ऐसे देशों का एक ग्रुप है जो कि दक्षिणी पूर्वी देश है। अब मैं आपसे पूछूं दक्षिणी पूर्वी देश कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम। अब आप इसमें भारत ढूंढोगे तो आपको भारत नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत दक्षिण पूर्वी देशों का मेंबर नहीं है। इसकी स्थापना सन 1967 में हुई। इसका हेडक्वार्टर आपके जकार्ता इंडोनेशिया में आ जाता है। इसका काम क्या है, ये जो इतने सारे देश हैं, जो इसके इतने मेंबर देश है, इन देशों की सरकारी और अंतर सरकारी क्या करते हैं, इस समझौते को क्या करता है, सहयोग को बढ़ावा देता है, साथ ही इन देशों के बीच में आर्थिक, सामाजिक और सैन्य सांस्कृतिक एकीकरण को क्या करता है, आपको सुविधा देता है, यानी एक तरीके से कह सकते हैं एक समन्वय स्थापित करता है इन देशों के मध्य, कौन, एशियन बैंक। इसलिए पूछ लिया जाता है एशियन एसोसिएशन, जो एशियन जो मेंबर है उसमें इंडिया है या नहीं है। इसके चेयरमैन बच्चों बहरहाल है रेडिट्रो दुतवे, और जो सेकेंडरी है यानी कि सेकेंडरी महासचिव है इसके ले लुओंग मिन है, ठीक है बेटा। तो याद रखिएगा रोडिग्रो दुतवे जो रशियन है ये, और ये बाकी ये मुझे नहीं पता कौन से हैं। सार्क, इसकी फुल फॉर्म दी मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम वालों का कि सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है,
तो इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, रीजनल कॉरपोरेशन। तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन कब बना? 1985। ये याद रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है, बिल्कुल 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 भी नहीं भूलना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर है इसका कहाँ पे? नेपाल काठमांडू के अंदर। इसके सदस्य है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका। बस कुछ नहीं करना है, इंडिया को सेंटर में रख के इसके चारों तरफ घूम जाना है और चीन को छोड़ देना है। क्या करना है? इंडिया का मैप बनाना है, इसके पड़ोसी देशों को सबको पकड़ कर चलते चले जाना और किसको छोड़ देना है? चीन को छोड़ देना, बाकी सबको पकड़ देना। ठीक है, बन गया। कब बना? 2006 में बना। इसका काम क्या था? चाइना को बॉयकॉट करना ही मेन काम था। इस संगठन को बनाने का मेन काम ही क्या था? चाइना को बॉयकॉट करना, यानी कि क्या करना? चाइना को छोड़कर जितने भी बचे हुए देश हैं इनके मध्य अच्छे से क्या करना? व्यापार को, सुविधा को बढ़ाना, व्यापारिक जो रिश्ते हैं इनके, आर्थिक जो स्थिति है उसको बेहतर करने के लिए बनाया गया क्या? सार्क। तो जब भी कभी नींद में भी आप सार्क सुनो ना, तो बस एक ही चीज़ रखना, चाइना किसी भी हालत में नहीं हो। सार्क के पीछे चाइना है, चाइना इसका मेंबर बिल्कुल भी नहीं होगा, किसी हालत में नहीं होगा। और हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा इसका? नेपाल काठमांडू के अंदर। एक और फुल फॉर्म जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पेपर में मैंने देखी है, बिमस्टेक की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हमने याद भी बड़ी मुश्किल से की थी, हमको तो याद हो गई, अब आपको 10 बार रिपीट करनी है आपको भी याद हो जाएगी क्या है। और हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश में याद करोगे, क्योंकि इंग्लिश में याद करना आसान है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन। एक एक शब्द को लिख के याद रख लो, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, इनिशिएटिव फॉर मल्टीपल्टी मल्टी सेक्टोरल, बी मिस्टेक, मैं यहाँ देख के फिर बोलता हूँ, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, मल्टी सेक्टोरल ये एक साथ, हाँ यहाँ कन्फ्यूजन होगा, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन, ठीक है, ये कहलाता है बच्चों क्या? बे मिस्टेक। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। इसका हेडक्वार्टर है ढाका बांग्लादेश में, एक ही हेडक्वार्टर है बांग्लादेश में, आराम से चिल मारो। बी से बांग्लादेश, बी से बे मिस्टेक, बस याद रखना, बी से बांग्लादेश और बी से बे मिस्टेक। सदस्य कौन है? भारत है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, म्यांमार है, थाईलैंड है, भूटान है, नेपाल है, ठीक है। यदि मैं बोलूँ कौन कौन से देश इसके ऊपर से कंपैरिजन किया जाए, कौन कौन से नहीं है, तो आप देखोगे इसके अंदर पाकिस्तान नहीं है, आप देखोगे इसके अंदर मालदीव नहीं है, आप देखोगे इसके अंदर अफगानिस्तान नहीं है, ठीक है। और टोटल मिला के सारे बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है, जो भी बंगाल की खाड़ी के आसपास के देश है, क्योंकि ये सारे के सारे कहाँ पड़ गए आपके, कहाँ चले गए सबके सब, ये आपके पहुँच गए अरब सागर के अंदर, तो ये सारे इसके मेंबर नहीं बनेंगे। बंगाल की खाड़ी के आसपास जितने भी देश हैं उनका ये ग्रुप क्या कहलाता है? बिमस्टेक कहलाता है। बंगाल की खाड़ी पर निर्भर देशों का ये ग्रुप है। इसका काम बेसिकली यही है कि बंगाल की खाड़ी में उपस्थित संसाधनों को किस तरीके से मिलजुल कर प्रयोग किया जाए और बेहतर विकास को सुनिश्चित किया जाए। फिर आता है बच्चा SCO, संघाई कॉरपोरेशन, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 2001 में 15 जून को। इसका हेडक्वार्टर भी बीजिंग चाइना में। इससे पहले आपने दो और पढ़े थे, NDB का था, AIIB का था, न्यू डेवलपमेंट बैंक का था, आपका था एसोसिएशन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक का, AIIB का था और SCO का था। यानी तीन चीज़ें होगा जिनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चाइना के अंदर। तो चाइना भाई तो पक्का सा इसके मेंबर होगा, चाइना है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। एक छोटी सी बात याद रखना, जो मोटी मोटी बातें, देखो रूस याद रखना है, भारत याद रखना है, पाकिस्तान याद रखना है, चीन याद रखना है, ठीक है। तो भारत और रूस दो दोस्त, और ये दो दोस्त इधर की तरफ, सबके सब मेंबर है किसमें? SCO के अंदर। फिर आता है नाटो, वर्ल्ड का एक अकेला सैन्य ग्रुप, वर्ल्ड का एक अकेला सैन्य ग्रुप, जहाँ हर देश की सेना जो उसके मेंबर बन जाते हैं उन देश की सेना इकट्ठा होकर एक देश पे यदि अटैक हो जाता है, कहा जाता है कि यदि आपने नाटो के किसी एक देश के ऊपर अटैक कर दिया तो इस संगठन में जितने भी देश हैं उन सभी देशों के जो सैन्य है, जो सभी देशों की जो सेना है वो आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपने देखा होगा नाटो में जनरली क्या आता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो अटलांटिक सी का नॉर्थ वाला हिस्सा है, उत्तरी उत्तर वाला हिस्सा है, सिर्फ वही देश क्या बन सकते हैं इसके मेंबर। लेकिन अब आपको स्टोरी बताती हूँ मैं, आपको पता है कि उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया में लड़ाई चलती रहती है, बिल्कुल बेसिक सी बात है, चलती रहती है।
और उत्तरी कोरिया वाले दक्षिण कोरिया वालों के पीछे पड़े रहते हैं, परेशान करके रखा इसको। अब उत्तरी कोरिया वालों को रोकने के लिए क्या किया गया, अमेरिका ने इसको बना दिया किसका मेंबर, नाटो का। अब चूंकि नाटो का मेंबर बना दिया तो उत्तरी अमेरिका को, उत्तरी कोरिया को ये पता, यदि मैंने दक्षिण कोरिया को गलती से भी छेड़ा तो दक्षिण कोरिया के साथ साथ नाटो के देश जितने भी हैं उनकी सबकी सेना मुझे पकड़ के मारेगी, इसलिए ये दक्षिण कोरिया को उंगली नहीं करता। काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से ये शांत बैठा हुआ है, और कब से, जब से इसको नाटो का मेंबर बनाया है। चलो अब इसकी बात करते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 में। इसका जो आपका हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम के अंदर। सदस्यों की बात करें, इसके क्या है, 29 स्वतंत्र सदस्य देश इसके क्या है इसमें शामिल है, जिसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप के काफ़ी देश हैं। नाटो मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर क्या होता है जनरली, कि यदि आप किसी एक देश पर अटैक करोगे तो बाकी सभी देश आपके क्या कर देंगे, इस पर अटैक कर सकते हैं। NSG जो बहुत ही फेमस हुआ था जब इंडिया इसका मेंबर बना था, बना नहीं था एक्चुअली, इंडिया को इसका मेंबर बनाने की कोशिश की जा रही थी। क्या इशू था, क्यों नहीं बना था, मैं भी बताती हूँ। अब क्या करता है बच्चों वो सुनो। NSG की बात करें तो उसकी स्थापना 1974 में हुई थी। भारत किसका सदस्य नहीं है NSG के बारे में, ये परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों से जुड़ा हुआ एक ग्रुप है, जिसके अंदर जो परमाणु हथियार है उनकी जो टेक्निक है, उसकी सामग्री, उसके जो उपकरण है, और परमाणु के हथियारों को और प्रसार करने से रोका जाता है किसके अंदर, NSG के अंदर। इंडिया ने इसलिए मेंबरशिप नहीं ली क्योंकि इंडिया, यदि न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, अभी तक हमने अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को प्रॉपर तरीके से या न्यूक्लियर वेपन को प्रॉपर तरीके से ना तो यूटिलाइज़ किया, ना ही हमने उसको गलत तरीके से प्रयोग किया है। भारत सरकार बहरहाल अपनी टेक्निकली जो अपनी टेक्निकलिटीज़ हैं, जो अपनी टेक्निक है, एज वेल एज अपने हथियारों के बारे में प्रॉपर तरीके से ओपन में जानकारी देने में अभी इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए भारत सरकार ने क्या कर दिया, मना कर दिया। साथ ही साथ में जब आप NSG पे साइन कर रहे थे तो एक तरीके से NPT पे साइन कर रहे थे, नॉन प्रोफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि। इसका मतलब ये था कि आपके पास जितने हथियार है उससे ज़्यादा आप हथियार नहीं बनाओगे। भारत ने बोला कि मेरे पास, मेरे देश के लिए मुझे नहीं लगता अभी तक इनफ हथियार है, यदि मैं इस पे साइन कर दूंगा तो मैं और हथियार नहीं बना पाऊंगा, इसलिए मैं इसके साइन नहीं करूंगा, इसलिए भारत NSG का मेंबर नहीं बना है। इसके बाद आता है IGA, बट ये इंटरनेशनल एक तरीके से जस्टिस हेडक्वार्टर है, और एक तरीके से बात करें तो UN का एक क्या है, सब्सिडियरी संस्था है। इसका आपका हेडक्वार्टर पड़ जाता है आपका हेग नीदरलैंड में। इंडिया मेंबर है, जो भी आपके यूनाइटेड नेशन के मेंबर है सभी इसके मेंबर है। ये क्या करता है, यदि दो देशों के बीच में कोई लड़ाई बड़ाई हो जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार राज्य यानी कि देशों के मध्य यदि कोई कानूनी विवाद हो जाता है तो उस पर क्या करता है, सुनवाई करता है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और ये जो उनकी कार्रवाई होती है, जो ये डिसीजन देते हैं, वो सलाहकारी होता है। ऐसा नहीं होता कि कल भारत देश को पनिशमेंट दे दी, 10 साल की सज़ा दे दी, या भारत देश को 10,000 करोड़ का जुर्माना दे दिया, देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ बताता है कि आपने गलत किया, वैसे जनरली सभी देश इस चीज़ को मान लेते हैं, ठीक है। फिर आता बेटा द कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये हुआ था 15 मई 1992 में, 7 अक्टूबर 2002 को प्रॉपर तरीके से इसको क्या किया, जमीनी स्तर पर यूज बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर रोस मास्को के अंदर है। इसके 6 मेंबर और 2 ऑब्जर्वर देश हैं। ज़्यादातर आपने नाम नहीं सुना होगा क्योंकि ये रूस बेस है, रूस अपनी इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा कहते हैं हाइड्री में रखता है, और ज़्यादा फेमस भी नहीं, बार बार इसके समिट भी नहीं होते हैं। फिर आता है IRENA, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी, आबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE के अंदर हुई थी। भारत इसका क्या है, मेंबर है। ये बेसिकली बात क्या करता है, जो आपकी ऊर्जा है, जो आपकी एनर्जी है, चाहे वो किसी भी फॉर्म की एनर्जी हो, उसको किस तरीके से बढ़ाया जा सके, उसमें कौन कौन सी टेक्निक यूज़ की जा सके, इसके बारे में बात करता है IRENA। तो इसके बारे में क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। एक स्थायी ऊर्जा भविष्य के लिए अपने संक्रमण में देशों को समर्थन करता है, यानी कोई देश जो डीजल यूज़ कर रहा है वो जाके बोल रहा है कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे सोलर एनर्जी यूज़ करनी है, तो डीजल से जब वो सोलर में कन्वर्ट होगा उसको जो भी सहायता चाहिए होगी या किस किस टेक्निक की रिक्वायरमेंट होगी वो सारी सहायता प्रदान करता है, कौन, IRENA, ठीक है। प्रौद्योगिकी संसाधन वित्तीय ज्ञान भंडार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए काम करता है। Amnesty International, ये क्वेश्चन बहुत बार बच्चों ने पूछा है, मुझे व्हाट्सएप भी आते हैं कि मैम Amnesty का मतलब क्या होता है। बट Amnesty जहाँ भी वर्ड सुनोगे ह्यूमैनिटी से रिलेटेड होता है, Amnesty मतलब ह्यूमैनिटी से रिलेटेड होता है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, हेडक्वार्टर याद रखिएगा लंदन में है, क्योंकि Amnesty International
किस चीज़ से संबंधित है ये क्वेश्चन पूछ के बोर हो चुके हैं। अब जनरल क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, अब ये पूछ सकते हैं कि हेडक्वार्टर क्या है और क्या कार्य करता है। तो बच्चे याद रखिएगा, ये मानव अधिकारों पर केंद्रित है। वर्ल्ड के कहीं भी यदि हेम क्या हो रहा है आपका, मानव अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है, तो उनको क्या करना है, रोकना, उनको समाप्त करने के लिए काम करता है कौन, MNST। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि इंडिया में MNST का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है, तो आप ये दो हेडक्वार्टर याद रख सकते हैं। ठीक है बेटा, फिर आया MTCR जिसका इंडिया मेंबर बन चुका है 2016 में, 1987 में क्या होती है इसकी स्थापना हुई थी। MTCR का बच्चा बेसिकली काम ये है कि कोई भी ऐसा इक्विपमेंट या कोई भी ऐसी चीज़ जो मानव रहित है, कोई भी ऐसी चीज़ जो मानव रहित, अब आप सोचो यदि आपको न्यूक्लियर वेपन, यदि आपको न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जनरली कोशिश करोगे कि भाई साहब हम तो अपना इंसान नहीं भेज रहे, हम तो नॉन जो क्या बोलते हैं मानव रहित जो विमान है उसमें न्यूक्लियर बॉम्ब रखते हैं, दूसरे देश में फेंक देते हैं ताकि कि हमारे यहाँ तो कोई नहीं मरे, उधर जो मर जाए मर जाए। तो ये इसका काम, MTCR का काम यही है कि ऐसा मानव रहित कोई विमान या कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं बनने देना है जो कि 300 किलोमीटर और 500 किलोग्राम पेलोड का वजन ले जाने से ज़्यादा सक्षम हो। यानी कि ऐसा कोई भी विमान या कोई भी यंत्र ना बने जो क्या कर सके, इतना न्यूक्लियर वेपन का वजन और प्लस इतने किलोमीटर की दूरी क्या कर सके, तय कर सके। इसके अंदर उन्होंने क्या किया, सभी तरीके के हथियार को इसमें इंक्लूड कराया। यानी कहने का इतना सा मतलब है कि ये वर्ल्ड के अंदर किसी भी तरीके से न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग ना हो, और उसके अंदर एक प्रॉफर उन्होंने क्या बनाया कि कोई भी इस तरीके का इक्विपमेंट, हथियार या कोई विमान या कुछ भी आप मिसाइल नहीं बनेगी जो मानव रहित हो, इसकी क्या कैपेसिटी इससे ज़्यादा की हो, ये एक तरीके से डिफाइंड किया है। अच्छा, एक और याद रखिएगा बच्चा, इसके अंदर 35 सदस्य है। फिर आता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक परमाणु एनर्जी का एक ग्रुप है। सन 1957 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर पड़ता है आपका वियना ऑस्ट्रिया में है। इसका जो हेड है वो यूकिया अमानो है। भारत इसका भी सदस्य है। इसका बेसिकली काम ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी न्यूक्लियर एनर्जी है उसको पीस के लिए, शांति के लिए, यानी उससे बिजली बनाया जाए, लोगों की हेल्प की जाए, व्हीकल बनाया जाए, इस तरीके से कैसे प्रयोग किया जाए, इसका काम करता है कौन, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और मुझे लगता है अब सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट हमारा आता है ISA, जो भारत ने शुरुआत की थी फ्रांस के साथ मिलकर 2015 में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और एक अकेला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जिसका हेडक्वार्टर भारत के अंदर है, कहाँ, गुरुग्राम के अंदर, बिल्कुल नहीं भूलना है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सोलर संगठन की स्थापना 2015 में, हेडक्वार्टर गुरुग्राम के अंदर है, भारत संस्थापक मेंबर है, डेफिनेट संस्थापक मेंबर है, भारत और फ्रांस ने ही मिलकर ही बनाया था। एक छोटी सी चीज़ याद रखिएगा बच्चों, चूँकि आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, मुझे नहीं लगता है मैं आपको ज़्यादा चीज से पढ़ाऊँगी, पर बस थोड़ा सा बता रही हूँ। ये है बेटा 0° लाइन और ये हमारे सन भगवान। अब आपसे मैं पूछूं कि सबसे ज़्यादा लाइट कहाँ देंगे, तो आपको सबको पता है कि 0° लाइन, जिसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है, जिसे इक्वेटर लाइन भी कहा जाता है, उस पर सबसे ज़्यादा लाइट रहेगी। और सबसे ज़्यादा कहाँ से रहेगी, 23 ऊपर तक और 23 नीचे रहे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में ये रहेगी बस। तो ISA ने यही बोला कि जो देश इस दोनों लाइनों के बीच में पड़ते हैं, नीचे तो कम ही पड़ते हैं ऊपर ज़्यादा पड़ते हैं, जो भी देश इसके बीच में पड़ते हैं वो सारे इसके मेंबर होंगे, किसके, आपके ISA के मेंबर होंगे। लेकिन 2021 का जब समिट हुआ, 2020-21 का जब समिट हुआ, तो ये जो लिमिट है वो हटा दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी सदस्य बन सकता है किसका, ISA का, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताई वैसी जानकारी, अब इन्होंने जो बोला है वो बात कर लेते हैं। कुल टोटल मिला के सदस्य बहरहाल इसके कितने हैं, 121 से अधिक देशों का यह गठबंधन है, जो अधिकांश देश कौन से हैं, जो 0° लाइन के आसपास के हैं। भारत के द्वारा भारत अफ्रीका जो शिखर सम्मेलन 2015 में पेरिस के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन से पहले की बात क्या होती, इसकी शुभारंभ हुआ था, ठीक है। और ये जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो 2015 का हुआ था, इसी के अंदर क्या किया था, अंतर्राष्ट्रीय 1000 जो कंपनीज थी, टॉप 58,000 जो कंपनीज है, उनको भी इसका मेंबर बनाया गया था। अब आता है OPCEW, इसका है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। आपने देखा होगा मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया जाता है,
या फिर आजकल तो छोड़िए, जैविक हथियार के रूप में सबसे जो गंदा गया पाया है कोरोना। इस तरीके की कोई चीज़ दोबारा ना बने या कभी बनने बन दोबारा तो छोड़ो कभी बननी ही नहीं चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखता है OPCW, जो कि अपना काम मुझे लगता है कि चूंकि कोरोना विश्व में फैला हुआ है तो अच्छे से नहीं कर पाया है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन, यानी मना करना, प्रतिबंधित करना, किसको? केमिकल वेपन को। बट इसका जो स्थापना हुई थी 97 में हुई थी। इसका हेग नीदरलैंड में क्या है हेडक्वार्टर, भारत इसका एक नियमित सदस्य है। इसका कैमिकल जो काम है वो यही है, युद्ध में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक हथियारों को रोकना, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिले। पर जैसा कि आपको और आपको पता है कि हाल फिलहाल की सिचुएशन में ऐसा करने में ये क्या रहा है, असफल रहा है। इसके अलावा बेटा काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, मुझे लगा है इकोनॉमिक के आस्पेक्ट से जो रिलेटेड है वो मैंने आपको कराई है। इसके अलावा आप बात करोगे आर्ट एंड कल्चर की तो यूनेस्को आ जाता है, इस तरीके की साइंस की बात करोगे तो काफ़ी सारी, तो अलग अलग सब्जेक्ट की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। इकोनॉमी के आस्पेक्ट से जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकती है, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रही है, ठीक है। इसके अलावा आपको लगता है कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इम्पोर्टेंट है और कवर अप करानी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करोगे तो हम लोग उस पर अलग से छोटा सा वीडियो बनाकर जितनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि तोमर और आपका स्वागत है इकोनॉमिक्स के इस डिटेल्ड सेशन में। आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं बच्चों वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसे कहा जाता है विदेशी निवेश। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आपको हेल्प करेगा ये समझने में कि हमारे देश में बाहर से जो पैसा आता है, यानी बाहर से जो पैसा हमारे देश में निवेश किया जाता है, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। आपने देखा होगा सरकारें कई बार निवेश FDI की जो लिमिट होती है वो बढ़ा देती है या घटा देती है। तो आज हम पहले ये समझेंगे कि FDI किसे कहते हैं, साथ ही ये देखेंगे कि FII क्या होता है, FPI क्या होता है, और इन तीनों में बेसिक डिफरेंस समझेंगे। इन तीनों में अंतर समझने के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि FDI देश के लिए हेल्पफुल है या नहीं है, कितना हेल्पफुल और कितने हद तक गवर्नमेंट को देना चाहिए, ताकि यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, मेंस में तो जनरली क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि भारत सरकार ने हाल फिलहाल रेलवे के अंदर इतना प्रतिशत क्या कर दिया है आपका, FDI इन्वेस्टमेंट को यस कर दी है, यानी कि FDI इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया है, तो इस कंडीशन में आप क्या समझते हैं कि ये भारत के फ्यूचर के लिए सही है या नहीं, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसका भी हम आंसर देंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश का मतलब होता है जब किसी दूसरे देश की कंपनी या व्यक्ति आपके देश में क्या करे, कोई कंपनी स्थापित करे या किसी कंपनी में अपनी पार्टनरशिप या हिस्सेदारी करे या उसमें कोई लागत लगाए, इस तरीके से किया गया निवेश जो होता है वो कहलाता है क्या आपका, विदेशी निवेश। दोबारा समझे, जब बाहर से कोई दूसरी कंपनी या कोई एक व्यक्ति भारत की, मान लीजिए किसी कंपनी या किसी कंपनी के संसाधनों में निवेश करे या उसकी सब्सिडरी कंपनी खोले, इस कंडीशन में जो बाहर से पैसा हमारे देश में आता है उस पैसे को बोला जाता है विदेशी निवेश। क्या कहा जाता है उसको, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश। यदि इसका स्ट्रक्चर समझे सबसे पहले, जो हमें हेल्प करेगा समझने के लिए कि किस तरीके से क्या होता है, तो हमें समझ में आएगा। बच्चों याद रखना, विदेशी निवेश को सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है। एक को कहा जाता है FDI, जो आपने बहुत बार सुना होगा, जिसकी फुल फॉर्म हो गई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। क्या हो गया, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। दूसरा जो आपका निवेश होता है, दूसरा जो विदेशी निवेश होता है वो कहलाता है क्या, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। कई बार इसे शॉर्ट फॉर्म में PI लग देते हैं, लेकिन सामान्यतः फुल फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो हमें इतना समझ में आया यहाँ तक आने के बाद कि विदेशी निवेश का तात्पर्य एक ऐसे निवेश से है जहाँ बाहर से कोई कंपनी या कोई व्यक्ति हमारे देश की पूरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करे या उसकी सब्सिडरी में करे, या कोई पूरी कंपनी हमारी कंपनी के साथ मर्ज हो जाए या हमारी कंपनी को एक्वायर कर ले। इस तरीके के निवेश में जो पैसा हमारे देश में आता है वो किसकी कैटेगरी में आता है, विदेशी निवेश की कैटेगरी में आता है, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आता है। इस तरीके से बाहर से आने वाला जो निवेश है वो दो प्रकार से हो सकता है। एक होता है FDI, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे कहा जाता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, और दूसरा होता है बच्चों पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब मैं यदि बात करूँ कि जो FDI है वो क्या है, तो पहले मैं आपको FDI एक्सप्लेन करती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी ये कितने प्रकार का होता है।
बच्चों एफडीआई में बेसिकली क्या होता है, कुछ लिमिट्स होती है तो मैं यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ। पहला तो ये कि 10% से ज़्यादा का निवेश होना चाहिए, यानी 10% से ज़्यादा का निवेश होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए किसी एबीसी कंपनी में किसी बाहर के व्यक्ति एक्स ने पैसा निवेश किया, तो वो पूरी कंपनी का यदि 100% हिस्सा है उसमें 10% से कितना होना चाहिए, ज़्यादा का होना चाहिए। पहली कंडीशन तो होती है ये। दूसरा, इसके साथ यदि किसी ने एफडीआई में निवेश किया है तो याद रखिएगा उसको मैनेजमेंट में यानी कि प्रबंधन में क्या मिल जाती है, पावर मिल जाती है, यानी कि वो प्रबंधन कर सकता है उस कंपनी का। यानी यदि हमारे देश में बाहर से कोई निवेश कर रहा है तो याद रखिएगा उसको भारत में उस कंपनी का प्रबंधन करने की पावर मिल जाती है। डिसीजन मेकिंग, यदि कल को कंपनी में क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस सब में किसकी उसकी पावर बढ़ जाएगी, किसकी, जो बाहर से आने वाला निवेश है। यानी इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा यदि किसी जगह एफडीआई आपने बढ़ा दिया है तो जैसे जैसे आप एफडीआई बढ़ा रहे हो ऐसे वैसे आप विदेशी लोगों का या विदेशी निवेश जिस कंपनी ने किया है उसकी पावर कहाँ बढ़ा देते हो, हमारे देश के अंदर जिस कंपनी में वो निवेश कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। तो एफडीआई का मोटा मोटा अभी समझने लायक आपको समझ में आया था, हमने क्या बोला कि एफडीआई का मतलब बाहर से कोई पैसा यदि लग रहा है कंपनी में तो वो 10% से ज़्यादा का होगा। दूसरा, यदि वो पैसा लग रहा है तो उस व्यक्ति को दो क्या मिलेगी, पावर मिलेगी कि वो प्रबंधन कर सकता है, साथ में उस कंपनी के डिसीजन मेकिंग में यानी मैनेजमेंट में और डिसीजन मेकिंग में क्या करेगा, अपना एक पावर रखेगा, ठीक है बेटा। जब यहाँ तक समझ में आया तो विदेशी निवेश जो आपका है वो 4 तरीके की कंपनी में हो सकता है, कैसे वो समझो बेटा। ग्रीन फील्ड एफडीआई वो एफडीआई होता है जिसके तहत विदेशी कंपनी या व्यक्ति बिल्कुल नई कंपनी स्थापित करता है, यानी वो कंपनी भारत में पहले से नहीं होती है। ऐसी कंपनी की यदि स्थापना की जाती है विदेशी निवेश के तहत तो ऐसी कंपनी में किया गया निवेश क्या कहलाता है, सामान्य तौर पर ग्रीन फील्ड एफडीआई कहा जाता है। ब्राउन फील्ड एफडीआई की यदि मैं बात करूं तो ब्राउन फील्ड एफडीआई ऐसा होता है कि मान लीजिए हमारे देश में कोई ऐसा क्षेत्र है, मान लीजिए यदि बहरा सरकार ने रेलवे में अलाउ किया है, कोई ऐसा क्षेत्र जो क्या है पहले से स्थापित है लेकिन जर्जर अवस्था में जा रहा है, या उसके अंदर से भारत सरकार को या किसी प्राइवेट कंपनी को उतना उत्पादन या लाभ नहीं हो रहा है जितना वो सोच रहे हैं, तो इस तरीके की कंपनी या इस तरीके के क्षेत्र में जब विदेशी निवेश किया जाता है यह सोचकर कि ये कंपनी या ये क्षेत्र किस में चला जाएगा, अब फायदे की स्थिति में चला जाएगा, तो ऐसी स्थिति में किया गया बाहरी कंपनी का निवेश क्या कहलाएगा, आपका ब्राउन फील्ड एफडीआई, ठीक है बेटा। जॉइंट वेंचर के अंदर बेसिकली बाहर की कंपनी भारत के साथ किसी कंपनी में क्या कर लेती है, जॉइंट कर लेती है, यानी कि दो मिलके एक उत्पाद की स्थापना कर देती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले सोनी और एरिक्सन एक थी कंपनी जो आपकी क्या करती थी, साथ में काम करती थी, ठीक है, दो कंपनी एक साथ काम करती थी, तो वो एक तरीके का क्या हो गया, जॉइंट वेंचर हो गया है। बहरहाल टाटा के साथ बहुत सारी बाहर की कंपनी क्या कर रही है, जॉइंट वेंचर के रूप में काम करती है, ठीक है। मर्जर और एक्वायर में बाहर की कंपनी आपके देश की किसी कंपनी का अपने में विलय कर लेती है, क्या कर लेती है, अपने आप में मिला लेती है और उसके बदले में आपको कुछ पैसा देती है, और वो किस कंडीशन में आता है, आपका मर्जर और एक्वायर एफडीआई के अंदर आता है। कुछ जगह पर इन दोनों को एक माना जाता है, पर मैंने जितना डिस्ट्रीब्यूशन होता है मैंने प्रॉपर तरीके से आपको बता दिया है। एक बार हम दोबारा इस चीज़ को समझते हैं क्योंकि चैप्टर बिल्कुल आसान है, बस एक बार आपको समझने की देरी है, फिर इसमें कुछ चैप्टर में नहीं है, टेक्निकल कुछ नहीं बचता है इसमें। तो हमने क्या बोला कि हमारा जो चैप्टर है वो है विदेशी निवेश के चैप्टर में हम बेसिकली ये देखने वाले हैं कि हमारे देश में बाहर से कोई कंपनी या कोई व्यक्ति पैसा यदि लगाता है तो उससे क्या होता है, किस तरीके से हमारे देश में पैसा लगता है। तो हमने बताया कि भाई हमारे देश में पैसा दो तरीके से लग सकता है, एक होता है एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, दूसरा होता है आपका क्या, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी कि पोर्टफोलियो निवेश। सबसे पहले हमने एफडीआई डिस्कस किया कि यदि कोई व्यक्ति एफडीआई में पैसा निवेश करता है तो उसके पास में क्या होता है, पहली बात तो उसका पैसा 10% से ज़्यादा का होना चाहिए, दूसरी बात उसे मैनेजमेंट में क्या मिल जाएगी बच्चों, पावर मिल जाएगी, मैनेजमेंट यानी प्रबंधन में पावर मिल जाएगी, और उसे डिसीजन मेकिंग में यानी उस कंपनी के फ्यूचर में क्या करना चाहिए और क्या नहीं इसके बारे में वो क्या कर सकता है, डिसाइड कर सकता है, ठीक है।
अब यदि बात करें कि एफडीआई कितने प्रकार का हो सकता है, तो हमने बोला कि चार प्रकार का एफडीआई हो सकता है। बिल्कुल नई कंपनी की स्थापना हो बाहर के पैसे से तो कहलाएगा ग्रीनफील्ड एफडीआई। कोई पुरानी कंपनी जर्जर अवस्था में है, उससे कोई उत्पादन या लाभ नहीं हो रहा है और वो कंपनी ये सोच के एफडीआई करवाती है कि भाई हम क्या हो जाएंगे, लाभ में आ जाएंगे। जब बाहर की कंपनी किसी भारतीय कंपनी या सरकार के साथ मिलकर कोई उद्यम स्टार्ट करे तो वो कहलाता है जॉइंट वेंचर। मर्जर एक्वायर के अंदर होता है कि किसी भारतीय कंपनी को कोई बाहरी कंपनी या कोई बाहरी व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति उसको खरीद लेता है, तो वो इस कैटेगरी के अंदर आता है। अब आता है बेटा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यदि मैं बात करूँ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, तो पहले इन दोनों में फ़र्क समझो, उसके बाद हम बात चलें करेंगे आगे। एफडीआई में आपको समझ में आया कि तीन कंडीशन थी। एफडीआई के अंदर क्या थी, तीन कंडीशन थी कि भाई 10% का निवेश होना चाहिए। यहाँ 10% वाली कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। प्लस यहाँ सीधा निवेश नहीं होता, यहाँ किसी कंपनी के यानी किसी भारतीय कंपनी के शेयर्स या बॉन्ड या डिबेंचर्स खरीदे जाते हैं, यानी जो भी आपके क्या हो गई आपकी सिक्योरिटीज़ होगी वो खरीदी जाती है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ये किस में किया जाता है, शेयर्स में, बॉन्ड्स में या डिबेंचर में किया जाता है। तीसरी बात, ना तो यहाँ मैनेजमेंट में रोल होता है और ना ही यहाँ डिसीजन मेकिंग में रोल होता है। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो आपका जो एफडीआई वाले व्यक्ति है वो भारत में क्या रखते हैं, पावर रखते हैं जिस कंपनी में वो निवेश करते हैं। लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वाले व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं रखते हैं, वो अपना पैसा भारत की किसी कंपनी के शेयर, बॉन्ड के, डिबेंचर में लगाते हैं। साथ ही उनका मैनेजमेंट में कोई रोल नहीं होता, ना ही वो भारतीय कंपनी के लिए कोई डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ देखने पर इतना समझ में आ रहा है कि ये थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है क्योंकि डिसीजन मेकिंग हो रही है, और ये थोड़ा लाभप्रद हो सकता है। लेकिन अब मैं दोबारा आपको यदि ये बताऊँ कि जो एफडीआई होता है, जो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, ये लंबे समय का इन्वेस्टमेंट होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। और जब किसी देश के अंदर लंबे समय के लिए पैसा निवेशित किया जाता है तो उससे उद्योग स्थापित होते हैं, उससे लोगों को रोजगार मिलता है। जब रोजगार मिलता है तो उत्पादन होता है, तो देश की जो अर्थव्यवस्था है जिसको आप जीडीपी कहोगे, उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है, जिससे क्या होगा, देश का विकास होगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो एफडीआई क्या है, प्लस पॉइंट भी रखता है, निगेटिव पॉइंट भी रखता है। तो ये तो रहा एफडीआई के बारे में। तो यदि अब आपसे पूछे कि एफडीआई सकारात्मक है कि नकारात्मक है, तो आप दोनों पक्षों को एक्सप्लेन कर सकते हो कि इस मामले में ये सकारात्मक है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रहा है। लेकिन कुछ मामलों में नकारात्मक भी हो सकता है, इसलिए कुछ ऐसे क्षेत्र जैसे कि रक्षा क्षेत्र या कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर एफडीआई अलाउ नहीं करना चाहिए सरकार को, उनको संरक्षित रखना चाहिए। वहीं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें कि इनको डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं होती, लेकिन ये सारा पैसा कहाँ लगाते हैं, शेयर बाजार में लगाते हैं, और ये सिर्फ एक ही पर्पज से पैसा लगाते हैं कि लाभ कमाओ और चलो, लाभ कमाओ और बाजार छोड़ो, लाभ कमा कर क्या कर दो, बाजार छोड़ दो। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए भारत की किसी बड़ी कंपनी में या भारत की बहुत सुपर टेन कंपनी या ऊपर की जो 10 कंपनी, उन लोगों में एफपीआई आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, पोर्टफोलियो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, यदि ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है और ये एकदम से अपना पैसा निकाल लेते हैं, तो भारतीय शेयर बाजार धड़ाम से नीचे गिर पड़ता है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो अब मैं बात करूँ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के फायदे और नुकसान की, तो आप क्या बोलोगे कि भाई इसका 10% की कोई इसके पास लिमिट नहीं है, ये कंपनी के शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर में ये पैसा लगाता है। लेकिन यहाँ तक देखने में तो समझ में आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, लेकिन थोड़ा अंदर जाए तो चूंकि ये पैसा शेयर बाजार में निवेशित होता है और सिर्फ लाभ कमाने की प्रवृत्ति के चलते ही लगाया जाता है, तो लाभ होते ही ये लोग क्या कर लेते हैं, पैसा निकाल लेते हैं और भारतीय शेयर बाजार, भारत का जो शेयर बाजार है वो अस्थिरता में आ जाता है। तो इसका भी क्या होगा, प्लस पॉइंट हो और इसके भी माइनस पॉइंट हमारे पास आ जाते हैं। अब इसके अंदर चलते हैं कि इसके अंदर ये क्या कह रहा है। इसने बोला बेटा पी नोट्स और एक होता है एफआईआई, ये इसके सब पार्ट नहीं है, कह सकते हो दोनों एक साथ ही काम करते हैं। कैसे, वो देखो, पोर्टफोलियो निवेश का मतलब होता है जब विदेशी निवेश जब आपका पोर्टफोलियो निवेश आपने किया है, उसके बदले में जो कागजी कार्रवाई होगी वो पार्टिसिपेटरी नोट्स के फॉर्म में होगी, ठीक है। वो क्या कहलाएगी, पार्टिसिपेटरी नोट्स कहलाएगी, यदि बाहर से कोई पैसा लगा रहा है, यानी जब आप कंपनी के शेयर,
बॉन्ड या डिबेंचर खरीदेगा, कोई बाहरी व्यक्ति ऐसा करेगा, तो उसके बदले में जो उसको कागज पत्र दिए जाएंगे वो कहलाएगा सिंपल भाषा में पी नोट्स या पार्टिसिपेटरी नोट्स कि आपने इतने का पार्टिसिपेशन किया है। FII क्या होते हैं बेटा? ये पार्टिसिपेटरी नोट्स को बुलाने वाले या विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने वाली संस्थाएं होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ इंश्योरेंस कंपनीज बोलती है कि आप हमें पैसा दे दीजिए, हम बाहरी लोगों का आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कराएंगे। क्या कुछ म्यूचुअल फंड वाले लोग भी ऐसा करते हैं, कुछ बैंक भी ऐसा करते हैं। तो वो सारे इंश्योरेंस कंपनीज, वो सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज, वो सारे बैंक जो हमारे जो किसी का पैसा यानी जो विदेशी पैसा हमारे देश की कंपनियों में निवेशित कराने में सहायता करती हैं वो कहलाती हैं क्या? FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो बाहर से यदि मान लीजिए कि व्यक्ति एक्स ने पैसा लगाया, तो जिसने मान लीजिए शेयर बॉन्ड या डिबेंचर में से कुछ खरीदा, उसके बदले में जो उसे मिला वो क्या कहलाएगा? पी नोट्स यानी पार्टिसिपेटरी नोट्स। ठीक है, लेकिन इसको बुलाकर जो लेके आया, वो जो कंपनी बुला के लेके आया, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी बुलाई हो, चाहे फ्यूचर क्या बोलते हैं म्यूचुअल फंड ने बुलाया हो, चाहे बैंक ने बुलाया हो, ये सारे क्या कह रहे हैं? FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो ये था होल सोल स्ट्रक्चर किसका? फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। बस अब हमने इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन किया है नीचे, और आपको ये डायग्राम हम लोग ऑब्वियसली नोट्स में दे देंगे, तो आपको यहाँ पे अब मुझे नहीं लगता कोई कॉम्प्लिकेशन रहेगा। ठीक है, अब इन्होंने एक डिफरेंस दिया है कि FII और पोर्टफोलियो निवेश में क्या डिफरेंस होता है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इसके बाद भी हम बता देते हैं। यदि आपको विदेशी निवेश करना है, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? हम इसकी बात कर रहे हैं, हम दोनों में इस दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक बार और यहाँ पर देख लेते हैं। यदि आपको हमारे देश के अंदर FDI करना है तो 10% वाली कंडीशन आपको याद होगी। ठीक है, किससे ज़्यादा का निवेश होना चाहिए। एक और चीज़ जो बता रहे हैं कि यदि आपको FDI करना है तो यहाँ सरकार की अनुमति लेनी होगी, इसलिए आप हमेशा देखते हो बजट के बाद भारत सरकार ने FDI इंश्योरेंस में 100% कर दिया है, भारत सरकार ने टेलीकॉम में FDI 100% कर दिया। सरकार क्यों कर रही है? क्योंकि FDI की परमिशन केवल कौन ग्रांट कर सकता है, कौन प्रदान कर सकता है? भारत सरकार। तो FDI यदि आपको करना है तो आपको परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? भारतीय सरकार से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो चूंकि आप शेयर बाजार में निवेशित कर रहे हो, याद आ रहा है आपको मैंने क्या कहा था कि यहाँ शेयर बाजार में निवेश होता है, तो यहाँ परमिशन किसकी होगी बेटा? शेयर बाजार की अथॉरिटी, जिसका नाम क्या है? सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड से आपको क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि FDI का निवेश हमेशा क्या होगा? दीर्घकालीन होगा। दीर्घकालीन निवेश होगा तो देश में उद्योग धंधे आएंगे, उद्योग धंधे आएंगे तो रोजगार होगा, इत्यादि इत्यादि मैंने बताया था। वहीं मैंने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए ये बताया था, क्योंकि ये शेयर बाजार में लगता है और लाभ होते ही क्या कर लेते हैं? अपना पैसा निकाल लेते हैं, इसलिए ये निवेश क्या कहलाता है आपका? अल्पकालीन निवेश की कैटेगरी में रखा जाता है। यदि किसी देश में बच्चों FDI हो रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा? जैसे मैंने बोला उद्योग धंधे हो रहे हैं तो रोजगार होगा, रोजगार से उत्पादन होगा, देश से उत्पादन बढ़ेगा तो देश की GDP बढ़ेगी और यानी कि देश का विकास होगा। लेकिन पोर्टफोलियो निवेश सिर्फ शेयर बाजार में लगता है, केवल और केवल शेयर बाजार में लगता है, वो अपना फ़ायदा उठाकर वापस चले जाते हैं, जिसकी वजह से ना तो कोई रोजगार बढ़ता, ना ही कोई उत्पादन बढ़ता, ना ही देश के विकास को बढ़ावा मिलता है। FDI देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन आपको नेगेटिव पॉइंट भी पता है कि मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग में, मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग में पावर मिल जाती तो वो देश के कुछ क्षेत्रों के लिए हानिकारक हो सकती है। चूंकि आपसे मेंस में दोनों ही चीज़ें पूछी जाती है, इसलिए मैंने आपको प्लस माइनस दोनों बताया है। और सदी बात करें FPI पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, तो ये पता ही है आपको, क्योंकि ये शेयर बाजार में लगता है और एकदम से लगता है और एकदम से यदि बाहर निकलेगा तो शेयर बाजार के अर्थव्यवस्था को या ऐसा हमारे शेयर बाजार को अस्थिर कर देता है, जो कि एक नकारात्मक सिंबल माना जाता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है बेटा, अब मैंने जो आपके स्ट्रक्चर में ये और ये और ये तो बताए थे, मैं इन सबको एक्सप्लेन कर रही हूँ और उसके बाद आपका चैप्टर यहाँ होगा ख़त्म। ठीक है, चलिए, ग्रीनफील्ड FDI जब बाहर से किया गया निवेश बिल्कुल नई कंपनी या संस्था को बनाने में किया जाता है तो कहलाता है ग्रीनफील्ड FDI। ब्राउनफील्ड, याद करो मैंने क्या कहा था, कोई पुरानी कंपनी जिसकी व्यवस्था खराब है उसको लीज पर ले ले या उसके पुनर्उत्पादन की कोई व्यवस्था करके बाहरी निवेश प्राप्त करे, तो इस तरीके का किया गया निवेश किस में आ जाता है? ब्राउनफील्ड FDI में।
जॉइंट वेंचर में आपको मैंने बताया था जब बाहर की कंपनी और भारतीय कंपनी मिलकर कोई एक उत्पादन करे तो इस तरीके से की गई का उत्पादन किसमें आ जाता है, जॉइंट वेंचर में। मर्जर में जब बाहरी कंपनी किसी भारतीय कंपनी का अधिग्रहण कर लेती है तो ये कहलाता है मर्जर। बाकी मैंने इसकी डेफिनेशन दोबारा से आपको दे दिया है और इसमें इसको चलो मैं पढ़ देती हूँ ताकि एक बार याद ही रहेगा। FDI किसी एक देश की कंपनी को दूसरे देश में किया गया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI कहलाता है। पोर्टफोलियो निवेश कहलाता है जो स्टॉक, बॉन्ड, नकदी और रियल इस्टेट में निवेश किया जाता है। ठीक है, पी नोट्स की हम बात करते हैं, पोर्टफोलियो नोट्स की हम बात करते हैं, तो ये एक वित्तीय तंत्र है जिसके तहत FII यानी कि जो मैंने बताया था म्यूचुअल फंड जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या करती है, निवेशकों को आकर्षित करती है अपने यहाँ हेज फंड में निवेश करने के लिए। अच्छा, जिन बच्चों को हेज फंड नहीं है मैं बता देती हूँ हेज फंड क्या होता है। हेज फंड एक्चुअली इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं है, पश्चिमी अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट है जिसमें आसान ब्याज दर पर पैसा उधार दिया जाता है ताकि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं अपना विकास कर सके। मान लीजिए भारत है, इसको क्या किया जाएगा, बाकी को यदि 10% ब्याज पर पैसा दिया जा रहा है तो भारत को क्या किया जाएगा, 8% ब्याज पर पैसा दिया जाएगा ताकि ये देश अपना विकास कर सके। इस तरीके के आया हुआ फंड क्या कहलाता है, आपका हेज फंड कहलाता है। FII की बात करें तो मैंने बताया था ये सारी म्यूचुअल कंपनी क्या बोलते हैं म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनीज या बैंकिंग वगैरह होती है, इन्होंने नाम लिख रखा है और ये क्या करती है शेयर बाजार में बाहरी पैसे को लाने के लिए क्या करती है, अफर्ट करती है। ठीक है, एक और चीज़, भारत में जो FDI कितना प्रतिशत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इसका आकलन करता है DIPP डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन करता है। छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में कहीं आ जाए तो याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा यदि इस बार की हम बात करें भारत सरकार ने FDI को कितना कितना किया मैं आपको बता देती हूँ। इसको मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि हर साल के बजट में ये चेंज होता रहता है। ठीक है, यदि एसेट रिकंस्ट्रक्शन की बात करें तो भारत सरकार ने इसको 74% से 100% कर दिया। इसका मतलब यदि आपको कोई एसेट को रिकंस्ट्रक्ट करना है यानी कोई आपको बिल्डिंग है जो बर्बाद हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है, उसमें दोबारा से इसको स्थापित करना है तो आप बाहर से पहले कितना पैसा ले सकते थे, 74%, लेकिन 2021 में कितना कर दिया है ये 100%। ठीक है, जब आप ये नोट्स बाय करोगे वहाँ अपने नोट्स में ये चीज़ें ऐड कर सकते हो जो मैं एक्स्ट्रा बताती हूँ। ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनरी की यदि मैं बात करती हूँ, तो इस सरकार 2021 के डेटा बता रही हूँ बेटा मैं, पेट्रोलियम रिफाइनरी में भारत सरकार ने जो परसेंटेज है आपकी वो 49% कर दिया है। इससे पहले पेट्रोलियम रिफाइनरी में FDI नहीं हुआ करता था। ये सारी बात चल रही है बच्चों FDI क्योंकि सरकार ही डिसाइड करती है क्या FDI, ये हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बात करती हूँ इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर भारत सरकार ने पहले 26% किया हुआ था, उसको बढ़ाकर 49% यानी कि 49% कर दिया है। टेलीकॉम जिसके अंदर आपके रिलायंस वगैरह ये सारी कंपनीज आ गई है, टेलीकॉम की यदि बात करें तो पहले 74% पैसा निवेशित किया जा सकता था विदेशी FDI, इसको भारत सरकार ने 100% कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा बात करें कोरियर सेवा की, जो आप कोरियर कंपनीज देखिए ना आपके यहाँ पे कि आपने कभी कभी किया होगा कोई कोरियर, तो ये उसकी बात कर रहा है। कोरियर जो सर्विस है इससे पहले इसमें विदेशी FDI नहीं था, अब भारत सरकार ने इसको 100% कर दिया है। चाय का जो प्लांटेशन जहाँ चाय का उत्पादकता की जाती, चाय के आपने बागान जो सुने होंगे, चाय के बागान में भारत सरकार ने 49% किया है। पावर की बात करें, जब कि आपने देखा बिजली वगैरह बनाने का, चाहे किसी से भी बिजली बने तो बिजली के अंदर, बिजली उद्योग के अंदर भारत सरकार ने कितना कर दिया, 49, पहले नहीं था। ठीक है, सिंगल ब्रांड रिटेल के अंदर यानी एक जो सिंगल ब्रांड रिटेल, मतलब एक ही ब्रांड की जो आपने कभी कभी देखा होगा ना, जैसे कि मैं से आप क्या बताऊँ, रिलायंस हुआ, रिलायंस का आपने वॉलमार्ट देखा होगा, रिलायंस वॉलमार्ट। ठीक है, या किसी जहाँ एक ऐसा स्टोर जहाँ सिर्फ एक ही ब्रांड का सामान बिकता हो उसको कहा जाता है सिंगल ब्रांड रिटेल। क्या कहा जाता है उसको, सिंगल ब्रांड रिटेल। इसमें 100% कर दिया है यानी बाहर से कोई भी विदेशी कंपनी भारत में आकर क्या खोल सकती है, रिटेल खोल सकती है। सिविल एविएशन जो काफ़ी फेमस रहा, प्लेन वगैरह आपने सुने होंगे, एविएशन डिपार्टमेंट जो है सिविल एविएशन में भारत सरकार ने 49% कर दिया है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, जो मुझे लगता है शायद नहीं होना चाहिए था, रक्षा क्षेत्र के अंदर भारत सरकार ने 26% FDI किया है। लेकिन चूंकि ये सिर्फ 26% है तो डिसीजन मेकिंग में पावर भी क्या है, विदेशियों की कम है। ठीक है,
तो बच्चा ये वाला रहा हमारा अपडेटेड, मैंने जितना भी इसमें सरकार ने चेंज किया है मैंने आपको यहाँ पर ऐड करा दिया है। जब आप चैप्टर पढ़ोगे अपने नोट्स बाय करोगे वहाँ इसको ऐड कर सकते हो, आई थिंक पेपर पे जगह भी है। तो बच्चों ये था छोटा सा प्यारा सा चैप्टर जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जो आपको क्लियर होना चाहिए। जब कभी आप शब्द सुनते हो क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो आप आगे से जब भी कभी शब्द सुनोगे विदेशी निवेश क्या है तो आपको अच्छे से पता है कि कितने पार्ट में डिवाइड है और कैसे कैसे निवेश किया जाता है। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है इसमें कुछ कन्फ्यूजन बचा होगा, तो आज के लिए इतना। हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि तोमर और आपका स्वागत है इकोनॉमिक्स केस डिटेल सेशन में। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति, जिसे सामान्य भाषा में कहा जाता है क्या महंगाई। महंगाई की यदि हम बात करते हैं तो महंगाई को दो चीज़ों से आंका जाता है। क्या किस चीज़ से आंका जाता है कि सामान्य भाषा में आप और हम बोलते हैं कि वस्तु का मूल्य बढ़ गया है। क्या कहते हैं हम लोग? वस्तु का मूल्य बढ़ जाए तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? महंगाई कहते हैं। इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं? या तो वस्तु की क्या हो जाए, मांग बढ़ जाए, या वस्तु का उत्पादन यानी कि आपूर्ति क्या हो जाए, गिर जाए, तो इन दोनों ही कंडीशन में क्या आएगी? महंगाई। तो महंगाई की सामान्य परिभाषा क्या कह जाती है? जब वस्तु या किसी सेवा के दाम में लगातार वृद्धि होती है तो उसे हम महंगाई कह देते हैं। और इकोनॉमिक्स के हिसाब से बात करें तो वस्तु की या तो मांग बढ़ जाए यानी कि उसको मांगने वाले लोग, उसको क्या बोलते हैं, प्रयोग करने वाले लोग बढ़ जाए, या उस वस्तु का उत्पादन क्या हो जाए, आपूर्ति क्या हो जाए, उसकी कम हो जाए, तो इन दोनों कंडीशन में क्या होती है? महंगाई होती है। अब देखते हैं इकोनॉमिक्स की परिभाषा क्या कहते हैं कि मुद्रास्फीति क्या है। मुद्रास्फीति वस्तु और सेवाओं के सामान्य स्तर में मूल्यों में क्या होती है? वृद्धि होती रहती है। इसे ही क्या कहा जाता है? आपका मुद्रास्फीति कहा जाता है। और इसे मापा कैसे जाता है? इसे वार्षिक आधार पर प्रतिशत के आधार पर नापा जाता है। मान लीजिए कोई वस्तु पिछले वर्ष कितने की थी? 100 रुपये की थी, और अगले वर्ष वो कितने की हो गई? 505 रुपये की हो गई। तो 5% की क्या हो गई? इसके अंदर वार्षिक वृद्धि हो गई। इसी आधार पर भारत सरकार भी हमें अपने डेटा देती है किस पे कि कितनी वृद्धि हो रही है, यानी कि कितनी महंगाई हमारे देश के अंदर हो रही है। एक और चीज़ आप याद रखिएगा, भारत के अंदर सामान्यतः जो महंगाई की वृद्धि दर है अभी तक 3-5% की है। ठीक है बेटा। अच्छा, यदि मैं आपसे ये बोलती हूँ कि अब यदि एग्जांपल्स मैं आपको बात करती हूँ कि ये कोरोना काल चल रहा है, अभी कोरोना काल चल रहा है और महंगाई आ रखी है, काफ़ी ज़्यादा महंगाई आ रखी है। अब आप मुझे सोचो, जो कोरोना काल में जो ये महंगाई आ रखी है ये मांग के बढ़ने से आ रखी है या आपूर्ति के घटने से आ रखी है? मांग के बढ़ने से आ रखी है कि डिमांड के बढ़ने से आ रखी है या सप्लाई के घटने से आ रखी है? तो आप सोचा होगा आपने लगाया होगा कि क्या हो रहा है। बहरहाल सप्लाई क्या हो जाती है? कम हो रही है। अभी क्या हो रहा है? सप्लाई क्या हो रही है? कम हो रही है। उद्योग धंधे चौपट है, जितना उत्पादन होना चाहिए फैक्ट्रियों में औद्योगिक स्तरों पर उतना उत्पादन नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से आपूर्ति क्या हो गई है? कम। और हमारे देश में क्या आ गई है? महंगाई आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी एग्जांपल को फिट करके आपको समझ में आ जाए कि महंगाई क्यों हो रही है। महंगाई के कारणों की यदि बात करें तो इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि जब भी सप्लाई और डिमांड क्या हो जाती है? अनबैलेंस हो जाती है, यानी आपूर्ति और मांग में जब भी असंतुलन होता है, इसी की बात मैं कर रही हूँ, जब आपूर्ति और मांग में असंतुलन होता है तो क्या हो जाती है? महंगाई आ जाती है। ठीक है, अर्थशास्त्री क्या मानते हैं? बेसिक तीन टाइप की मोटी मोटी महंगाई के क्या मानते हैं? आपके कारण मानते हैं। ठीक है, कौन कौन सी है? पहली है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का एक बेसिक सा एग्जांपल समझो कि मान लीजिए भाई मैंने 10 पेन बनाए और इसको डिमांड करने वाले लोग भी क्या है? 10 स्टूडेंट है। तो ये तो है सामान्य स्थिति। एक ऐसी स्थिति हो जाए जहाँ डिमांड बढ़ जाए, यानी कि 10 की जगह अब 20 स्टूडेंट ने क्या मांगे हैं? मुझसे पेन मांगे हैं, लेकिन पेन क्या रहे हैं? 10 ही पेन रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाए? चूंकि इस पेन की डिमांड बढ़ गई है तो इसका मूल्य क्या कर देंगे? कंपनी वाले बढ़ा देंगे। इसी को कहा जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी मांग की वृद्धि के कारण, यानी मांग बढ़ जाने के कारण जो महंगाई पैदा होती है उसी को कहा जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एक होती है बच्चों कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, यानी किसी वस्तु को बनाने की यदि लागत में वृद्धि हो जाती है तो उसे कहा जाता है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। चलिए इसी पेन का हम लोग एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए इस पेन को इंक महंगी हो जाए,
तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो बनाने वाले फैक्ट्री का मालिक है उसको ये पेन क्या पड़ जाएगा, महंगा, तो वो क्या करेगा, 10 की बजाय 12 रुपए का इसको बाजार में बेचेगा। या मान लीजिए जो ये फैक्ट्री है, जो ये पेन बनाने की फैक्ट्री है, इसमें जो बिजली का प्रयोग हो रहा है, सरकार ने उस बिजली की क्या बढ़ा दी, दर बढ़ा दी, तो इस कंडीशन में भी वो क्या करेगा, इसके प्राइस बढ़ा देगा। या क्या हो जाए, जो मजदूरी दर है, जो काम करने वाले मजदूर हैं उनकी मजदूरी को क्या कर दे, भारत सरकार बढ़ा दे, इस कंडीशन में भी जो फैक्ट्री है, पेन की जो फैक्ट्री का मालिक है, वो पेन के मूल्य को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और इस तरीके से बढ़ने वाला जो मूल्य होता है, जो महंगाई होती है, वही कहलाती है क्या, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, यानी किस पेन बनाने की कॉस्ट क्या हो गई है, किन्हीं कारणों से यदि बढ़ जाती है तो वो पेन बाजार में क्या होगा, महंगा बिकेगा, और ऐसी महंगाई को कहा जाएगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। फिर आता है बच्चों मॉनेटरी इन्फ्लेशन, यानी मौद्रिक मुद्रास्फीति। इसे एक अच्छा सिंबल माना जाता है किसके लिए, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए। ऐसा माना जाता है यदि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था विकसित होती है, अर्थव्यवस्था का यदि विकास होता है, उसमें बढ़ोतरी होती है, तो लोगों के पास में क्या आता है, लोगों के पास में क्या आती है, मुद्रा आती है। मुद्रा का क्या होता है, लोगों के पास में लगातार फ्लो होता है, जिससे क्या होता है, विकास होता है, और विकास के साथ साथ क्या होती है, महंगाई बढ़ती चली जाती है। तो इसको एक अच्छा सिंबल माना जाता है। तो ये क्या कह रहा है कि जब अर्थव्यवस्था में लगातार मुद्रा की क्या होती है, आपूर्ति होती है जनता तक, तो वो उसका प्रयोग करते हैं, और इससे क्या हो जाता है, वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है, जो कि एक अच्छा सिंबल माना जाता है देश के विकास के लिए। अब मुद्रास्फीति के प्रकार की बात करें कि कितने प्रकार की मुद्रास्फीति है, तो सामान्यतः मुद्रास्फीति को इन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है लो इन्फ्लेशन, अल्प मुद्रास्फीति, इसी को बच्चों कई बार बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्या बोला जाता है इसको, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो महंगाई की दर का प्रतिशत रहता है वो 0 से 9% के बीच में रहता है। यदि किसी देश के अंदर इतनी महंगाई आ रही है तो वो कौन से प्रकार की महंगाई पे काम कर रहा है, लो इन्फ्लेशन यानी क्रीपिंग इन्फ्लेशन पे काम कर रहा है। तो भारत के अंदर कौन सी महंगाई चल रही है अभी, लो इन्फ्लेशन यानी कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन चल रही है। वहीं गैलोपिंग की बात करें तो बच्चा गैलोपिंग को माना जाता है 9 से लेकर, यहाँ पे माना जाता है एकल डिजिट में क्या रहता है आपका, महंगाई का अंक रहता है, और यहाँ बोला जाता है कि डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट तक ये रहता है, यानी 99 या 999 तक क्या रहेगा, परसेंट तक यदि महंगाई बढ़ जाती है तो उसको बोला जाएगा आपका क्या, क्या बोला जाएगा, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। आपने कुछ दिनों पहले केस सुना होगा नाइजीरिया के अंदर ऐसा हुआ था कि वहाँ पर क्या हो गई थी, 200% तक की महंगाई आ गई थी, तो वहाँ आने वाली महंगाई क्या कहलाएगी, गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहलाती है। हाइपर इन्फ्लेशन का कोई मानक नहीं है, बट ये कहा जाता है कि जब भी हाइपर इन्फ्लेशन आएगा उस देश की जो क्या है, वित्तीय अस्थिरता उस देश के अंदर आ जाएगी, और उसकी इकोनॉमी क्या कर जाएगी, क्रैश कर जाएगी, उसकी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, ऐसी व्यवस्था को कहा जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, यानी बहुत कम समय के अंदर क्या हो जाती है, एक निश्चित सीमा से बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, महंगाई बढ़ जाए तो उसके अंदर क्या कहलाएगी आपकी, हाइपर इन्फ्लेशन। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 100 रुपये का पेट्रोल आ रहा है, जिससे हमको पता ही है, और आप आज रात को सो और सुबह उठ के आपने देखा तो पता चला 1,00,000 रुपये पर लीटर पेट्रोल आ रहा है, तो आप समझ जाओगे कि इस स्टेप से क्या हो गया, हमारे देश की इकोनॉमी क्रैश हो चुकी है, और हमारे देश में कौन सी महंगाई आ गई है, हाइपर इन्फ्लेशन, और भगवान ना करे ऐसा आए। फिर आती है बोटल नेक इन्फ्लेशन, इसको संरचनात्मक महंगाई भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी फॉल्ट की वजह से क्रिएट होती है, थोड़े शॉर्ट टाइम पीरियड की होती है और किन्हीं कारणों से होती है। मान लीजिए इसके एग्जाम्पल के लिए याद कर लेते हैं मदर डेयरी। चले मदर डेयरी में जो मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है उसमें मान लीजिए टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ जाती है, और रात को उसके लगभग सभी सेंटर्स का क्या हो जाता है, मिल्क प्रोसेसिंग का जो वर्क है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है या बंद हो जाता है। तो सुबह जो मिल्क की जो डिमांड जनरेट होगी हर घर की वजह से, वो एकदम से क्या कर देगी, बहुत ज़्यादा महंगाई आ जाएगी। तो इस इन्हीं कारणों से आने वाली जो महंगाई होती है वो कहलाती है बोटलनेक इन्फ्लेशन। ये किसी दुर्घटना की वजह से या किसी खतरे की वजह से या किसी कुप्रबंधन की वजह से उत्पन्न हो सकती है, जिसे संरचनात्मक मुद्रास्फीति यानी स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी कहा जाता है, जब किसी स्ट्रक्चर में फेलियर होने की वजह से या स्ट्रक्चर के अनबैलेंस होने की वजह से ये क्रिएट होती है। बच्चा कोर इन्फ्लेशन की बात करते हैं, बेसिक नीड्स की बात करते हैं, पर बेसिक नीड्स में हम लोग क्या करते थे, ऊर्जा और फूड को छोड़ के, यानी खाना,
और ऊर्जा को छोड़ के जो भी अन्य क्षेत्र बच जाते हैं उनमें जो महंगाई होती है उसे कहा जाता है कोर इन्फ्लेशन। उसे क्या कहा जाता है? कोर इन्फ्लेशन। एग्जाम में आ सकती है तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। जिसने वही छोड़ रखा है वह ऊर्जा और खाद्य वस्तुओं को छोड़कर सभी अन्य वस्तु और सेवाओं की क्या बताती है आपको? महंगाई दर बताती है, ठीक है बेटा। एक और वर्ड आता है जो एग्जाम में कभी भी कोई पूछ लेता है, क्या बोलता है? इन्फ्लेशनरी गैप, मुद्रास्फीति अंतर। ये बेसिकली क्या होता है आपने देखा है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया भी है, कि भारत सरकार बजट पेश करती है। भारत सरकार क्या करती है? बजट पेश करती है। उसमें बजट का क्या रहता है? खर्च रहता है। और बजट का क्या रहता है? उसमें आय भी रहती है। और हमने ये भी बताया था कि भारत सरकार का बजट कैसे रहता है? घाटे वाला, डेफिसिट वाला बजट रहता है। और मैंने आपसे ये भी पूछा था कि बजट घाटा का यदि मैं आपसे बेसिक फॉर्मूला पूछूं तो आप क्या बोलोगे? कि बजट की जो आय है, बजट घाटा है ना, बजट का जो खर्च है उसमें से उसकी आय घटा दोगे तो क्या बचेगा? बजट घाटा। तो हमारा जो देश का बजट है वो हमेशा घाटे में रहता है, यानी डेफिसिट में रहता है। और अब क्वेश्चन ये आता है कि सरकार क्या करती है इस डेफिसिट को कई बार भरने के लिए? क्या करती है? नया पैसा छापती है, उसकी वजह से भी क्या करती है? महंगाई आ जाती है। नया पैसा जब छापती है तब भी क्या आ जाती है? महंगाई आ जाती है, क्योंकि पैसा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और मांग क्या रहती है उस समय की? जो आपूर्ति क्या रहती है वो कम रहती है। आपूर्ति क्या रहती है? कम। तो ये वही वाली सिचुएशन हो गई कि आपकी मांग, जो कि पैसा बढ़ गया तो लोग क्या करने लगे? सामान की मांग करने लगे, लेकिन उसकी आपूर्ति क्या रही है? उतनी ही बनी हुई है। तो इस कंडीशन में भी क्या आ जाती है? महंगाई। मान लीजिए आपके आपकी सैलरी भी क्या हो गई है? 50,000 से सीधी क्या मान लीजिए 1,00,000 हो गई है। आपके पड़ोसी की सैलरी भी क्या हो गई है? 1,00,000 हो गई। सबकी सैलरी 1,00,000 हो गई है और सबके सब क्या करना चाहते हैं? सबके सब जमीन खरीदना चाहते हैं कि भाई थोड़ी ज़मीन मैं भी खरीद लूँ, थोड़ी ज़मीन मैं भी खरीद लूँ। सब ज़मीन खरीदना चाहते हैं। तो ज़मीन की क्या हो गई बच्चों? एकदम से मांग बढ़ गई। तो क्या हो जाएगा इसका मूल्य? क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कि इसकी महंगाई क्या हो जाएगी ज़मीनी क्षेत्र पर, या कह लो आपका क्या कि जो फ्लैटों के जो रेट हैं उनके वगैरह के जो रेट है वो क्या हो जाएंगे? एकदम से बढ़ जाएंगे। तो ऐसी वाली जो महंगाई होती है वो क्या होती है? जब सरकार क्या करती है, नया पैसा एकदम से छाप देती है या लोगों की आय एकदम से बढ़ जाती है तो वो कहलाती है आपकी क्या? स्टेप से महंगाई आपकी बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति का अंतर क्या हुआ कि भाई सरकार का जो पैसा, सरकार ने जो खर्च किया आम जनता पर और सरकार ने जो खर्च देश से कमाया उनका जो अंतर है वही कहलाता है आपका क्या? मुद्रास्फीति अंतर। यह सामान्य भाषा में आप और हमने इसको क्या बोला था? बजट घाटा भी कहा था। तो यदि आपने वो पढ़ा है तो आपको ये आसान से याद हो जाएगा कि ये बजट घाटे जैसा ही होता है। तो आपका इन्फ्लेशन जो गैप होता है वो क्या कहलाता है? कि सरकार का जो कमाया और सरकार ने जो खर्च किया उसके बीच का जो अंतर है वो आपका कहलाएगा क्या? इन्फ्लेशन गैप कहलाता है, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो मैंने आपको बताया कि सरकार क्या कर देती है इसके अंदर उत्पाद क्या बोलती है, धन को अतिरिक्त निर्माण करती है, यानी कि आरबीआई से नए नोट छपवाती है जिससे कि कीमतों में क्या आ जाता है? उछाल आ जाता है। क्या हो जाता है? सबके पास सबकी सैलरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। फिर आता है बच्चा इन्फ्लेशन स्पाइरल। इन्फ्लेशन स्पाइरल ये क्या होता है? इसके अंदर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की वह स्थिति होती है जिसके परिणाम स्वरूप मजदूरी और मूल्य के परस्पर प्रक्रिया होती है। बेसिकली बच्चा इसके अंदर भारत सरकार क्या करती है, जो बेसिक वेजेस होती है, जो बेसिक वेजेस होती है मजदूरी, उसको बढ़ा देती है। जब सरकार बेसिक मजदूरी बढ़ा देती है तो आपने देखा होगा कि जो बेसिक वेजेस वाले लोग हैं, जो सामान्य से कम कमाते हैं, उनकी बेसिक नीड रहती है। जैसे वो कुछ सामान ज़्यादा खरीदते हैं, मान लीजिए वो आटे पर ज़्यादा खर्च करते हैं, ठीक है, वो खाने वाले प्रोडक्ट्स पे आपने देखा होगा ज़्यादातर खर्च करते हैं, वो आटे पे ज़्यादा खर्च करेंगे, सब्जी पे ज़्यादा खर्च करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही सरकार ने मनरेगा के में जो कार्यरत लोग हैं, मान लीजिए उनकी मजदूरी 500 से बढ़ा के 1,000 रुपये कर दी सरकार ने, जैसे उन्होंने 1,000 रुपये किए तो एकदम से आप देखोगे कि आप जो खाने पीने की जो बेसिक चीज़ें ना वो एकदम से बढ़ जाएगी। सब्जी के रेट एकदम से बढ़ जाएंगे, दूध के रेट एकदम से बढ़ जाएंगे, क्योंकि क्या हो गया कि उन लोगों ने जो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, वो जो कि लोग जो 1 लीटर दूध ले रहे थे वो कोशिश करेंगे क्या कि मैं 2 लीटर दूध ले लूँ, क्या पर डे मैं 2 लीटर मिल्क परचेज कर लूँ। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, मिल्क के रेट बढ़ जाएंगे। तो इन्फ्लेशन जो आपकी स्पाइरल है उसमें बेसिकली क्या होता है कि सरकार क्या करती है, बेसिक वेजेस बढ़ाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल मनरेगा है। तो मनरेगा में कार्यरत लोगों की यदि वेजेस बढ़ जाएगी तो वो जो सामान्यतः वस्तुओं का प्रयोग करता है, जिन भी सामान्य वस्तुओं का वो प्रयोग कर रहे हैं, उन सबके रेट बाजार में बढ़ जाएंगे। रिफ्लेशन। रिफ्लेशन में बच्चा कुछ नहीं होता है, सरकार क्या करती है, जानबूझ के पैसा क्या करती है, जनता तक पहुंचाती है। मान लीजिए कैसे, जैसे कि सरकार क्या करेगी,
मनरेगा का एग्जाम्पल ही ले सकते हो कि मान लीजिए पहला मनरेगा क्या करता है, सड़क निर्माण में कार्य करता है या कुएं खोदने का काम करता है, तो सरकार क्या करेगी, चूंकि मनरेगा के अंदर अच्छे खासे लोगों को रोजगार मिलता है, तो सरकार ने क्या बोला कि भाई मेरा अभी तक टारगेट था कि मैं 1 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, अब मेरा टारगेट है कि भाई मैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। तो उन्होंने बोला क्या कि अब जितने भी सड़क बनेगी, कुएं बनेंगे, यहाँ तो रोजगार देना ही था, इसके अलावा मैं हॉस्पिटल में भी इनको रोजगार दे देता हूँ, इसके अलावा मान लीजिए इनको क्या एजुकेशन में भी, जो आपके क्या बोलते सफाई कर्मचारी वगैरह, यहाँ भी मैं इनको क्या कर देता हूँ, रोजगार दे देता हूँ। तो रोजगार का एरिया इन्होंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। लेकिन आपको पता है जब आपने रोजगार बढ़ा दिया तो इतने सब लोगों को पर बंदे को आप क्या दोगे, 500-500 रुपये दोगे, तो पूरी इकोनॉमी में फिर से क्या हो गई, वही पुरानी वाली सिचुएशन हो गई कि लोगों के पास क्या हो गया, एकदम से पैसा बढ़ गया। तो इसकी वजह से जो महंगाई आती है, जहाँ क्या होता है प्रसार, जहाँ सरकार ने जानबूझकर क्या किया, पैसों का प्रसार किया, इस तरीके से जो महंगाई पैदा होगी वो कहलाएगी आपकी क्या, रिफ्लेशन। एक तो एग्जांपल ये हुआ। दूसरा, सरकार क्या कर देती है, सरकारी व्यय को बढ़ा देती है, जो एक तरीके से ये सरकारी व्यय ही हुआ। इसके अलावा कोई एग्जांपल आपको देना है तो आपने देखा होगा किसान सम्मान निधि के तहत भारत सरकार 6,000 रुपये दे रही है अभी पूरे साल के अंदर, सरकार कल को उसको बढ़ाकर क्या कर दे, 10,000 रुपये कर दे, तो सरकारी व्यय क्या हो गया, बढ़ गया। या सरकार जो आम जनता पर टैक्स लगा रही है वो क्या कर दे, कम कर दे, तो इत्यादि। यदि ऐसा कोई भी कार्य करती है तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में पैसा बहुत ज़्यादा पहुंच जाता है, किसके पास, आम जनता के पास। और जब आम जनता के पास पैसा पहुंचेगा तो आम जनता क्या करेगी, मांग करेगी, सामान खरीदने की कोशिश करेगी, और जब जनता सामान खरीदने की कोशिश करेगी तो देश के अंदर क्या आ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। क्योंकि आपको पता है जब 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 मांग बढ़ती है तब तब महंगाई बढ़ती है, और जब जब आपूर्ति, जब जब आपूर्ति घटती है तब तब महंगाई बढ़ती है, ये हमने शुरू में पढ़ा था, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो रही है, मांग बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ेगी। नेक्स्ट आता है बच्चा स्टैगफ्लेशन। इससे कई बार क्वेश्चन मैंने देखा है तो आप याद रखिएगा, और हिंदी वाले बच्चे कोशिश किए बेटा इंग्लिश नाम भी याद रखो, क्योंकि वो ऐसे लिख के दे देते हैं। स्टैगफ्लेशन क्या होता है या स्टैग महंगाई क्या होती है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा बेटा, स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ महंगाई भी साथ में चलती रहती है, मंदी भी साथ में चलती रहती है, दोनों पैरेलल भी चलती रहती है। यानी क्या लगेगा कि मान लीजिए भारतीय अर्थव्यवस्था यदि है तो मान लीजिए इसके कृषि क्षेत्र में क्या आ रखी है, मंदी आ रखी है, और इसके औद्योगिक क्षेत्र में क्या आ जाए, महंगाई आ जाए, औद्योगिक क्षेत्र में क्या आ जाए, महंगाई आ जाए। तो ऐसी जो स्थिति पैदा होगी जहाँ एक ही देश की अर्थव्यवस्था के अंदर एक जगह महंगाई है और एक जगह मंदी है, इस सिचुएशन को कहा जाएगा क्या, स्टैगफ्लेशन। क्या कहा जाएगा, स्टैगफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन क्या होता है बेटा, स्क्यूफ्लेशन का मतलब होता है क्या बोलते हैं कि पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था मान लीजिए यहाँ पे कृषि है, ये औद्योगिक क्षेत्र है, ये औद्योगिक क्षेत्र है, और यहाँ पे क्या है, सेवा क्षेत्र है, ठीक है। इनमें से किसी एक क्षेत्र के किसी एक छोटे से सेक्शन में, मान लीजिए कि एकदम से आईटी सेक्टर, जो आपने देखा होगा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत सारे जो आईटी वाले व्यक्ति काम करते हैं, कि आईटी सेक्टर में एकदम से क्या हो जाए, महंगाई आ जाए, आईटी सेक्टर में क्या आ जाए, एकदम से महंगाई आ जाए, तो किसी पूरी अर्थव्यवस्था का यदि किसी छोटे से भाग में क्या आती है, महंगाई आती है, तो इसको कहा जाता है स्क्यूफ्लेशन। इसका हिंदी नाम मैंने जो देखा था बड़ा अजीब था तो मैंने नहीं लिखा, आप नेट पे गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से स्क्यूफ्लेशन याद रखोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। स्क्यूफ्लेशन इसको प्रनाउंस करते हैं, स्क्यूफ्लेशन, क्या करते हैं, स्क्यूफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन। और ये क्या हो जाता है, ये बेसिकली क्या होता है कि पूरी अर्थव्यवस्था के किसी बहुत छोटे सेक्शन में यदि कहीं आता है, आईटी सेक्टर बेटा सेवा क्षेत्र में आता है ना, किसी एक सेक्शन में क्या आती है, महंगाई आती है, तो इसको क्या कहा जाता है आपका, स्क्यूफ्लेशन। वही स्टैगफ्लेशन में क्या था, जब आपकी महंगाई और मंदी एक साथ साथ काम कर रही थी। डिफ्लेशन की यदि हम बात करते हैं तो डिफ्लेशन होती है एक तरीके से मंदी, क्या होती है, मंदी जो महंगाई की क्या होती है, उल्टी होती है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगी, लोगों की मांग क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, और आपूर्ति क्या हो जाएगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी। जबकि महंगाई में क्या हो रहा था, मांग बढ़ रही थी, आपूर्ति गिर रही थी, तो इसको कहा जाएगा डिफ्लेशन, या मंदी भी इसे कहा जाता है। अच्छा, जब भी आप बच्चा महंगाई डिस्कस करोगे चैप्टर, जब भी आप इन्फ्लेशन का चैप्टर डिस्कस करोगे, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फिलिप्स जो कर्व है, फिलिप्स जो वक्र है, वो किससे संबंधित है, तो आपका आंसर रहेगा महंगाई से। और ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन पूछते हैं तो महंगाई प्लस बेरोजगारी का रिलेशन को बताया था एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फिलिप्स। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि यदि
आप क्या करोगे, यदि आप क्या करोगे, महंगाई बढ़ाओगे तो बेरोजगारी क्या हो जाएगी, घटेगी। यदि महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगी, बेरोजगारी क्या हो जाएगी, घटेगी। अब मैं आपको पहले एग्जांपल से समझाती हूँ कैसे ये इन्होंने क्यों बोला, उसके बाद आप इसके वक्र पे चलेंगे, देखो कैसे होगा। मान लीजिए महंगाई बढ़ी, पहली बात तो महंगाई क्यों बढ़ी, महंगाई इसलिए बढ़ी क्योंकि लोगों की जेब में पैसा आया, क्योंकि लोगों ने क्या करी, मांग की। तो लोगों की जेब में क्या आया, पहले पैसा आया, लोगों की जेब में पैसा आया यानी लोगों की क्या हुई, सैलरी बढ़ी। सैलरी बढ़ी तो बच्चा क्या हुआ, उनकी मांग बढ़ी। मांग बढ़ेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्या होगा आपका, मांग बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ रही है तो उस कंडीशन में जो मेरा 10 रुपये का पेन था वो 15 रुपये का बिक रहा है। तो इस कंडीशन में जो पेन का जो मालिक था, पेन की फैक्ट्री का जो मालिक था, उसकी क्या हो गई, कमाई बढ़ी। उसकी क्या हो गई बेटा, कमाई बढ़ी। अब जो उसने एक्स्ट्रा कमाया, उसने क्या किया, जनरली आपने बिजनेसमैन लोगों की फितरत देखी होगी कि जो वो फालतू कमाते उससे नई कंपनी या ब्रांच खोल देते हैं जिससे और ज़्यादा कमाया जा सके। तो वो क्या करेगा, कोई नई कंपनी अपनी खोल देगा या अपनी पुरानी कंपनी को और बड़ा कर देगा। जब ये नई कंपनी खोलेगा तो उसको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि लोगों को उसको क्या मिलेगी, उसको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी यानी नया रोज़गार पैदा होगा काम करने के लिए। और जब रोज़गार नया पैदा होगा तो ऑटोमेटिकली बच्चा क्या हो गया, बेरोज़गारी क्या हो गई, कम हो गई। बेरोज़गारी क्या हो गई, कम। दोबारा से समझो, इन्होंने बोला कि जब भी महंगाई बढ़ेगी तब तक बेरोज़गारी कम हो जाएगी और हमें देखना है कैसे। तो हमने क्या बोला कि भाई यदि महंगाई बढ़ेगी तो महंगाई कब बढ़ती है, जब क्या होती है, मांग क्या हो जाती है आपकी, बढ़ जाती है। मांग कब बढ़ती है, जब लोगों की जेब में क्या आ जाता है, पैसा आ जाता है। और जेब में पैसा कब आता है, या तो उसकी सैलरी बढ़ जाए या उन्हें कोई प्रॉफिट हो। तो जब हमने, मान लीजिए सब ने क्या किया, हमने पेन, सब ने पेन की डिमांड की, तो वो जो पेन था जो 10 रुपये का था वो पेन 15 का बिका। तो पेन की फैक्ट्री का जो मालिक था उसकी कमाई को क्या हो गई, एक्स्ट्रा जो उसको कमाई हुई उसने क्या किया, उससे कोई नई कंपनी खोली। नई कंपनी को खोलने के लिए, उसमें कार्य करने के लिए उसको कर्मचारियों की ज़रूरत हुई, इसलिए उसने नए लोगों को क्या करा, रोज़गार दिया, जिससे बेरोज़गारी क्या हो गई, कम। एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि और क्लियर हमें हो सके, जमीन का एग्जांपल लेते हैं, चलिए ठीक है ना, ज़्यादा आसान रहेगा। ये मान लीजिए एक्स व्यक्ति है, ये वाई व्यक्ति है, ठीक है, और ये है जेड। इनकी सैलरी बढ़ गई सबकी, इन सबकी क्या हो गई है, सैलरी आपकी बढ़ गई है। जब इनकी सैलरी बढ़ गई, इन सब लोगों ने क्या किया, एक्स्ट्रा पैसे कमाया। जब एक्स्ट्रा पैसे कमाए तो उन्होंने बोला कि भाई चलिए क्या कर लेते हैं, ज़मीन खरीद लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, ज़मीन खरीद ले। तीनों ने क्या किया, ज़मीन खरीदने की बात की। चूंकि ज़मीन क्या है, निश्चित है, तो क्या होगा, ज़मीन की दाम बढ़ गए, ज़मीन के क्या हो गए, दाम बढ़ गए, यानी कि ज़मीन का जो सेक्टर था उसमें क्या आ गई, महंगाई आ गई। ज़मीन के सेक्टर में क्या आ गई, महंगाई आ गई। अब ज़मीन की जगह चलो फ्लैट मान लो, ज़्यादा आसान रहेगा, फ्लैट मान लो, फ्लैट खरीदने, सबको घर खरीदने हैं। जब इस सबके घर के घर वाले एरिया के अंदर, आपका जब इंफ्रास्ट्रक्चर वाले एरिया के अंदर क्या हो गई, महंगाई आ गई है, तो उस कंडीशन के अंदर जो बेचने वाला व्यक्ति था, जिसका ये फ्लैट थे, फ्लैट का जो मालिक था उसको क्या हुआ, उसके जो 10 लाख के फ्लैट थे वो 12-12 लाख के बिके। तो फ्लैट के मालिक को क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। जो उसने ये फ़ायदा कमाया, उसने क्या किया, इससे नया फ्लैट बनाना स्टार्ट कर दिया, जब ये नया फ्लैट बनाना स्टार्ट करेगा तो यहाँ क्या होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, ऑटोमेटिकली क्या होगी, बेरोज़गारी कम होगी। यही बस फिलिप्स ने कहा कि जब जब किसी देश में महंगाई आएगी तब तब उस देश की बेरोज़गारी कम हो जाएगी, ठीक है। बस उन्होंने उस पर ग्राफ से बताया कि जब महंगाई 3% थी तो देश के अंदर बेरोज़गारी 8% थी। जब देश के अंदर महंगाई थोड़ी और बढ़ी तो बेरोज़गारी क्या हो गई, थोड़ी कम हो गई। और जब महंगाई बिल्कुल ज़्यादा बढ़ी, 9% तक बढ़ी, तो और क्या हो गई, बेरोज़गारी कम हो गई। तो वही उन्होंने रिलेशन बताया है कि क्या है, इनमें इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं महंगाई को कैसे नापा जाता है, कौन कौन से इसके इंडेक्स है। बट महंगाई को नापने के बेसिक दो इम्पोर्टेंट इंडेक्स जो काम आते हैं, एक को बोलते हैं WPI, होल सेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक। एक होता है बच्चों CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको कहा जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब क्या होता है, आपको पता है एक होती है वस्तु, एक होती है क्या, सेवा, ठीक है। एक होती है क्या, वस्तु, एक होती है क्या, सेवा। ये है तो हम पहले चैप्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो वस्तुओं की जो महंगाई नापता है उसको बोलते हैं WPI, यानी होल सेल प्राइस इंडेक्स। किसकी नापता है महंगाई, वस्तुओं की महंगाई। और CPI क्या नापता है बेटा, सेवाओं की महंगाई। वस्तुओं की जो महंगाई निकालती है सरकार, वो हर सप्ताह के आधार पर निकालती है कि पिछले सप्ताह कितना रेट था और इस सप्ताह कितना रेट है।
जबकि जो सेवाओं की महंगाई निकाली जाती है वो महीने के आधार पर निकाली जाती है। यहाँ क्या है सप्ताह और यहाँ क्या है मंथ। ये इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आप लोग याद रखेंगे। फिलिप्स का भी इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि चलिए भाई आप निकालते हैं सप्ताह के आधार पर कितनी चीज़ों को, क्योंकि दुनिया में तो हजारों चीज़ें हैं, लाखों चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों को निकालते हैं। तो भारत सरकार ने 697 वस्तुओं को आधार बना रखा है, जिन्हें वो हर सप्ताह क्या करते हैं तुलना करती है, और उनके कंपैरिजन में जितना प्रतिशत महंगाई बढ़ जाती है उसको क्या बोल देती है भारत सरकार, WPI। तो अब क्वेश्चन ये आता है कितनी सेवाओं को हर महीने चेक किया जाता है, तो टोटल मिला के 448 सेवाओं को, 448 सेवाओं को कंपेयर किया जाता है हर महीने कि कितनी इसमें एवरेज वृद्धि हुई, और जो भी वृद्धि होती है वो प्रतिशत के तौर पे क्या कहलाती है, CPI कहलाती है। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये कि कौन कैलकुलेट करता है, तो बेटा होलसेल प्राइस इंडेक्स जो थोक मूल्य सूचकांक है उसको कैलकुलेट करता है DIPP, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड पॉलिसी एंड प्रमोशन, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग करता है, और ये इम्पोर्टेंट है। वहीं बात करें सेवाओं की महंगाई को कौन निकालता है, तो बच्चा CSO निकालता है, लेकिन आपको पता है कि सरकार ने CSO और NSSO को हटा के क्या बनाया है, NSO। तो अब से जो महंगाई निकालेगा किसकी, सेवा क्षेत्र की, वो कौन निकालेगा, NSO। नया क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा। तो सेवा क्षेत्र की महंगाई कौन निकाल रहा है, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। पहले कौन निकालता था, CSO निकालता था। एक और चीज़ छोटी सी, CPI जब आप निकालते हो, CPI सरकार जब निकालती है बेटा सेवा क्षेत्र की, जब निकालती है महंगाई सरकार, तो CPI क्या करता है, चार अलग अलग क्षेत्रों की निकालते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि भारत सरकार क्या करती है, महंगाई भत्ता देती है। तो महंगाई भत्ता देते वक्त वो क्या करती है, चार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परसेंटेज के आधार पर क्या देती है, महंगाई भत्ता देती है, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करती है, अलग अलग सूचकांक निकालती है। तो CPI कैसे निकाला जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। CPI औद्योगिक कामगार का अलग निकलता है बच्चा, इंडस्ट्रियल वर्कर का, ठीक है। रूरल जो लेबर काम करती है, जिसके अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा वगैरह लिख सकते हैं, वहाँ का अलग निकाला जाता है। एग्रीकल्चर में जो लेबर काम कर रही है उनके लिए अलग से निकाला जाता है, और अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय का ही क्या निकालते हैं, अलग निकालते हैं। इसके अंदर आ जाते हैं सरकारी कर्मचारी। तो सरकारी कर्मचारी का यदि उनको क्या लिखना है, डिसाइड करना है कि कितनी महंगाई भत्ता डिसाइड करना है, तो कौन करेगा, CPI। और CPI कौन निकालता है, CSO। और बहरहाल CSO नहीं निकाल रहा है, उसकी जगह जो नई संस्था आ गई है वो कौन है आपकी, NSO, जो इन्होंने बोला, ठीक है। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि सरकारी कर्मचारी का जो कर्म क्या बोलते हैं आपका महंगाई भत्ता है, उसका निर्धारण किसके तहत किया जाता है, तो आप बोलोगे कि भाई इंडेक्स तो यूज होता है CPI, और वैसे जो संस्था निकालती है उसका नाम है NSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत छोटा सा प्यारा सा चैप्टर था आपका महंगाई का, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैं एक बार बता देती हूँ, और बाकी इसमें कुछ है नहीं है, वैसे बड़ा छोटा चैप्टर है, वैसे भी आपको याद हो जाएगा। तो जब भी आप महंगाई की डेफिनेशन बोलोगे तो आप क्या बताओगे, डिमांड और सप्लाई का रिलेशन बताओगे। पहली बात, महंगाई किन किन आधार पर हो सकती है, जब वस्तुओं की मांग बढ़ जाए, या वस्तु में जो लगने वाली कॉस्ट है, जो लागत है वो बढ़ जाए। तीसरा, या देश का विकास हो रहा हो तब भी महंगाई हो सकती है। महंगाई के प्रकार में हमने क्या पढ़ा कि जब महंगाई की दर हो 0 से 9% एकल अंक में हो तो हम बोलेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन, यानी कि लो इन्फ्लेशन। जब महंगाई की दर 2 डिजिट से 3 डिजिट में हो तो हमें कहा जाएगा गैलोपिंग। हाई पर जब इकोनॉमिक आपकी क्या हो जाती है, क्रैश हो जाती है। बॉटलनेक, जब किसी की कंपनी की संरचना में या किसी देश की आर्थिक स्थिति में क्या हो जाए, आपका स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन हो जाए, यानी संरचनात्मक गड़बड़ हो जाए, तो कहलाएगी आपकी क्या, बॉटलनेक इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन में क्या होगा, बेसिक नीड होगी, लेकिन ऊर्जा को और फूड को छोड़कर जो जो आपकी महंगाई बढ़ेगी उसका जो एवरेज निकलेगा वो कहलाएगा क्या, कोर इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति का अंतर क्या होता है कि भारत सरकार ने जितना हम पर खर्च किया और जितना कमाया उसके बीच में जो डिफरेंस रहा, जिसे हम बजट घाटा भी कहते हैं, वही हमारा कहलाता है क्या, मुद्रास्फीति अंतर। इन्फ्लेशन स्पाइरल के अंदर हमने बताया था कि सरकार जब क्या कर दे, बेसिक मजदूरी को बढ़ा दे, तो क्या होगा, बेसिक मजदूरी करने वाले लोगों की जो बेसिक क्या होती है, नीड्स होती है, जो जो वो सामान खरीदते हैं वो क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। रिफ्लेशन में हमने क्या कहा था कि भारत सरकार सबके क्या कर दे, इनकम बढ़ा दे, जानबूझकर लोगों पर खर्च बढ़ा दे, उनका टैक्स कम कर दे, ठीक है, या ब्याज की दर घटा दे। इन सब कारणों से जो क्या होती है,
अर्थव्यवस्था में पैसा ज्यादा आ जाता है, लोग ज्यादा मांग करते हैं, उसकी वजह से जो महंगाई होगी कहलाएगी क्या? रिफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में मैंने क्या बोला? जब महंगाई और मंदी एक साथ काम करे तो कहलाएगा स्टैगफ्लेशन। स्कूलफ्लेशन में क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र के किसी कोने में या किसी एक भाग के अंदर जब क्या आ जाए, महंगाई आए, तो कहलाएगा क्या? स्क्यूफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है? उल्टा होता है महंगाई का, इसके अंदर मंदी होती है, यानी लोगों की मांगें क्या हो जाती है? कम, और आपूर्ति देश के अंदर क्या हो जाती है? सामान की ज़्यादा। फिलिप्स जी ने क्या बताया? फिलिप्स जी ने बोला कि भाई अपने देश में महंगाई बढ़ाओ, क्योंकि यदि आप महंगाई बढ़ाओगे तो देश के अंदर क्या हो जाएगी? बेरोजगारी कम। और लास्ट में हमने बात की थी महंगाई को कैसे नापते हैं, तो हमने बोला वस्तुओं की महंगाई हम WPI से नापेंगे, वही सेवाओं की महंगाई हम CPI से नापेंगे। और साथ में मैंने एक और क्या बताया, CPI कि जो हमारे देश के अंदर कर्मचारी भत्ता यानी कि उनका जो महंगाई भत्ता डिसाइड करता है वो किसके तहत होता है? CPI के अंदर ही होता है। और जो संस्था करती है वो करती है कौन? CSO करती थी, अब से करती है कौन? NSO, ठीक है। और वही मैं आपसे पूछूं WPI का निर्धारण कौन करता है, तो आपका आंसर रहेगा DIPP यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन यानी कि औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग। ठीक है बच्चों, तो ये छोटा सा चैप्टर था, एक दो बार यदि आप देखेंगे तो आराम से आपसे याद हो जाए। निर्धनता के यदि हम कारणों की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरीके की आपकी क्या आती है? निर्धनता आती है। एक निर्धनता आती है हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था की, दूसरी आती है हमारी आय के असमानता की निर्धनता। जैसा कि चैप्टर में हमने इनिशियली डिस्कस किया था कि दो तरीके की निर्धनता है, एक को कहा था आपने निरपेक्ष, आपको याद आ रही होगी, और एक को कहा था हमने क्या? सापेक्ष। हमने डिफरेंस क्या किया था? हमने ये बोला था निरपेक्ष निर्धनता वहाँ है जहाँ रोटी कपड़ा मकान यानी कि बेसिक जो अमेनिटीज़ हैं, जो बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट है, वो भी पूरी नहीं हो पा रही है, उसे कहा था हमने क्या? निरपेक्ष निर्धनता। वहीं सापेक्ष में बात की थी कि देश तो डेवलप हो गया है यानी देश का विकास तो हो चुका है, लेकिन क्या है? आय में अभी असमानता है, यानी विकास के नाम पर किसी एक वर्ग का या वर्ग के किसी एक कुछ लोगों का क्या हुआ है? विकास हुआ है। ऐसी देश की अर्थव्यवस्था को में जो पाए जाने वाली आपकी निर्धनता है उसको हमने क्या कहा था? सापेक्ष निर्धनता कहा था। तो इन्हीं दो बेस पे यदि हम बात करते हैं तो विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निर्धनता में यदि हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे निरपेक्ष की, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है या ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हम हमारे देश के लोगों को रोटी कपड़ा मकान या अलग शुद्ध पानी, शुद्ध वातावरण, कम प्रदूषण, ऐसी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। वहीं आय के असमानता के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे देश में जो समाज है उसमें इतना आपका डिफरेंस क्यों है कि एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर क्यों है, दूसरा बहुत ज़्यादा गरीब क्यों है। तो यदि हम इसमें पहले कारण को डिस्कस करते हैं तो पहला हमारा जो कारण आता है वो क्या कहता है कि विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निर्धनता, यानी हम बात कर रहे हैं इस कंडीशन में किसकी? निरपेक्ष निर्धनता की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? निरपेक्ष निर्धनता की। निरपेक्ष निर्धनता में क्या है, जैसा कि मैंने आपको टॉपिक बताया था कि ये टॉपिक बेसिकली आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब आप मेंस का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। तो उसके एस्पेक्ट से इस चैप्टर को आराम से ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये आपको हेल्प करने वाला है। तो हमारे इसमें क्या बोला गया कि ऐसे क्या क्या कारण है? राष्ट्रीय आय का निम्न होना। यदि आप रोटी कपड़ा मकान नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हो तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हो क्या रहा है कि देश की जो आय है यानी पूरे देश की जो इनकम है वही क्या है? कम है। जिसे हम जनरली आप भाषा में क्या कहते हो आप लोग? राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है? तब आपने पढ़ा था NNP ऑन मार्केट प्राइस को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये आपने पढ़ा था और मैंने बार बार आपको याद कराया था कि हमारे देश में राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट को। किसे कहा जाता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। और MP का मतलब वहाँ हो जाता है बाजार मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस। नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है आपका शुद्ध राष्ट्रीय आय। जब आपने नेशनल इनकम का यानी कि राष्ट्रीय आय का चैप्टर पढ़ा है वहाँ ही मैंने याद कराया है। तो यदि किसी देश की कुल आय ही कम होगी यानी कुल किसी देश की अर्थव्यवस्था ही कमज़ोर है, उसकी अर्थव्यवस्था में पैसों की कमी है, तो वो डेफिनेटली क्या करेगा कि अपने देश के लोगों को प्रॉपर तरीके से जो बेसिक अम्यूनिटीज़ है, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो नहीं प्रोवाइड करा पाएगा। पहला कारण तो हुआ ये किसका? एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में यानी निरपेक्ष निर्धनता क्यों होती है। दूसरा, जनसंख्या का दबाव।
हमारे जैसे विकासशील देश प्लस एशियन देशों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे देश में जनसंख्या या हमारे जैसे देशों के अंदर जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा रहता है। सामान्यतः एक आंकड़ा ये भी कहता है कि एक व्यक्ति क्या है कार्यरत है और उस पर पांच व्यक्ति क्या है आपके निर्भर है। पांच व्यक्ति क्या है निर्भर है। इस कंडीशन के अंदर भी आप समझ सकते हो कि सिर्फ एक व्यक्ति कार्यरत है पांच व्यक्ति निर्भर है तो क्या है आपका जो दबाव है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये एक आंकड़ा ये भी है कि विश्व की सबसे ज़्यादा जो युवा जनसंख्या है वो हमारे देश में, लेकिन उसके साथ बहुत सारी समस्याएं हैं कि ये युवा कौशल नहीं है, ये युवा जो है प्रॉपर तरीके से शिक्षित नहीं है, शिक्षित है तो टेक्निकल शिक्षित नहीं है, तो इत्यादि इत्यादि समस्याएं आती हैं। उसी के बारे में क्या कहा जा रहा है कि यदि कोई भी देश कितना भी अपना GDP का विकास कर ले या कह दो कितना भी अपना NNP का विकास कर ले, यदि उसी सापेक्षता में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती रही तो होता क्या है, आप प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हो। आपने प्रति व्यक्ति आय पहले चैप्टर में कैसे निकाली थी, तो आपने क्या कहा था कुल देश की आय डिवाइड किया था किससे, जनसंख्या से। अब आप ये बताइए यदि कुल देश की आय हम कितना भी बढ़ा ले, यदि जनसंख्या उससे ज़्यादा बढ़ जाती है तो प्रति व्यक्ति यानी हर एक व्यक्ति के हिस्से में आने वाली आय क्या रहेगी, हमेशा कम रहेगी। तो एक जनसंख्या का अधिक दबाव होना भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसके ऊपर, किसी भी देश के गरीबी के ऊपर। मुद्रा स्फीति का जाल, अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये आपने नया सुना होगा और ये इम्पोर्टेंट है, ये होता क्या है वो समझिए। मुद्रा स्फीति का जाल का मतलब क्या होता है कि आपकी वस्तुएं और सेवाएं, आपको पता है वस्तु किसे कहते हैं और सेवाएं किसे कहते हैं, कि कीमतों में क्या होता है वृद्धि होती रहती है और जो लगातार होती रहती है। हमारे जैसे देश के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ पर लगभग 5% के हिसाब से माना जाता है कि हर साल क्या हो रही है आपकी मुद्रा स्फीति हो रही है। ये मुद्रा स्फीति यानी इसको सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है, महंगाई। ये महंगाई क्या करती है, ये महंगाई क्या करती है कि कुछ लोगों को जो लोग गरीब नहीं है, जो गरीबी रेखा से क्या है आपका ऊपर है, कुछ लोग जो गरीबी रेखा से ऊपर है उनको गरीबी रेखा से नीचे ला देती है और वो क्या हो जाता है बिलो द पॉवर्टी लाइन में चले जाते हैं। बिलो द पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि कोई एक ट्रक चलाने वाला व्यक्ति है, पेट्रोल के दाम में अचानक से बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाए, तो ये जो ट्रक चलाने वाला व्यक्ति है जिसके पेट्रोल के दाम में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, इस कंडीशन में यदि सामान्य ये मान के चला जाए कि बाकी किसी चीज़ के रेट में प्राइस में वृद्धि नहीं हुई है, तो सबसे ज़्यादा संवेदन तरीके से कौन इससे प्रभावित हुआ, ये ट्रक जो चालक है, ये जो ट्रक चालक है ये प्रभावित हुआ। और ये हो सकता है इसकी इतनी इनकम कम हो जाए कि जहाँ ये महीने के 10,000 रुपये कमा पा रहा था वो हो सकता है अभी क्या करें, चूँकि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है इसे खुद की जेब से देना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में इसकी क्या हो जाएगी आय 6,000 रह जाएगी। और हो सकता है कि ये इतनी कम आय हो कि ये गरीबी रेखा के नीचे वाले स्तर पर पहुँच जाए। तो मुद्रास्फीति जाल एक ऐसा जाल है जहाँ पर कुछ व्यक्ति जो कि आपके क्या होते हैं गरीबी रेखा से ऊपर जीवन गुजर कर रहे होते हैं, जीवन बसर कर रहे होते हैं, वो एक समय पश्चात गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। फिर आता है चिरकालीन बेरोजगारी और अल्प बेरोजगार। ये दोनों समस्याएं भी ऐसे ही देशों में आती है जिस देश में अभी विकासशीलता है या अविकसित देश है। इन देशों में चक्कर क्या रहता है कि गवर्नमेंट इतना रोज़गार नहीं प्रोवाइड करा पाती है, इतना रोज़गार प्रदान नहीं करवा पाती है जितनी देश की आवश्यकता होती है या जितने देश के अंदर युवा उपलब्ध होते हैं। एक आंकड़ा भी इन्होंने दिया है, 2016 में बेरोजगारी 17.7 मिलियन थी। आपके पास कोई नया डेटा आता तो आप ऐड कर सकते हो। अब चिरकालीन बेरोजगारी क्या कहा जाता है, चिरकालीन बेरोजगारी कैसी बेरोजगारी होती है जो लंबे समय तक चलती है, यानी कि जिसका बहरहाल कोई सोल्यूशन सरकार के पास नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर याद रखिएगा भारत के शिक्षित युवा, हमारे देश में शिक्षा का जो स्तर है, जो शिक्षा हमें दी जाती है वो क्या होती है, टेक्निकली साउंड नहीं होती है। जो हमारा शिक्षित युवा है उसे नहीं पता है कि मैंने यदि पढ़ लिया है तो उसको मैं प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन क्या करूँगा या उसका प्रॉपर मेरी ज़िंदगी में क्या प्रयोग होगा। एक ऐसा शिक्षित युवा हमेशा क्या रहेगा, या तो अपना जो उसने पढ़ाया उस फील्ड में काम नहीं करेगा, कहीं और फील्ड में काम करेगा, या उसे अपनी आवश्यकता या अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से काम नहीं मिलेगा। इस टाइप की बेरोजगारी को कहा जाता है चिरकालीन बेरोजगारी और अल्प रोजगार, यानी कि उसको अपनी आवश्यकता के हिसाब से रोजगार नहीं मिल रहा है।
इसी के अंदर एक बेरोजगारी और आती है जो बड़ी प्रसिद्ध बेरोजगारी है, जो हमने पहले भी डिस्कस की थी। वो क्या है? आपकी छिपी बेरोजगारी, जिसे अदृश्य बेरोजगारी भी कहा जाता है। इसमें होता कुछ नहीं है। मान लीजिए ये खेत है, इसके अंदर क्या कर रहे हैं, 50 व्यक्ति कार्यरत हैं, यानी साल भर में 50 व्यक्ति इस खेत में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और वर्ष के अंत के अंदर ये मान लीजिए यहाँ पे 5,000 टन आपका गेहूं होता है। अगले साल क्या किया गया, इन 50 में से सिर्फ 10 व्यक्तियों को कार्यरत रखा गया, 40 लोगों को हटा दिया गया। अगले साल भी जो आपकी उत्पादकता है वो लगभग उतनी कितनी, 5,000 टन ही हुई। इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में हमें समझ में आया कि जो 40 व्यक्ति पहले कार्यरत थे, जो अब नहीं है, उनका उत्पादकता में कोई खास योगदान नहीं है। यानी देखने के लिए तो ऐसा लग रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, कृषि क्षेत्र में संलग्न हैं, लेकिन वास्तविक रूप से उनकी उत्पादकता, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी हो रही है, 0 हो रही है। और इस तरीके की पाए जाने वाली बेरोजगारी हमारे देश में कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, जिसे कहा जाता है अदृश्य या छिपी बेरोजगारी। फिर आता है हमारे पास में पूंजी की अपर्याप्तता, कैपिटल डेफिशिएंसी, यानी देश की सरकार के पास इतना पैसा नहीं है जिसका प्रयोग करके वो देश की गरीबी का समाधान कर सके। जैसे कि आपने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था कि नक्सन ने क्या कहा, कोई भी देश गरीब है वो इसलिए गरीब है क्योंकि वो गरीब है, यानी उसके पास में प्रॉपर संसाधन नहीं है। तो वो जो एक डेफिनेशन है वो यहाँ क्या होती है, आपकी कन्फर्म होती है। कैसे, देखिए, यदि आपके पास में निर्धनता ऊंची है तो आप क्या करोगे, आप रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाओगे, ठीक है। यदि आप रोजगार ही नहीं उपलब्ध करा पाओगे तो किसी भी चीज़ का उत्पादन नहीं होगा। जब उत्पादन ही नहीं होगा तो पैसा ही नहीं बनेगा, और पैसा ही नहीं होगा तो फिर से क्या होगा, आप कोई भी गरीबी दूर नहीं कर पाओगे। यानी क्या, जो गरीबी के जाल की बात की थी रैगनर नर्सने ने, ये उसी की बात कर रहे हैं कि ये देश की जो सरकार है, देश की जो अर्थव्यवस्था में इतनी पूंजी नहीं होती है कि क्या कर सके, गरीबी के जाल से मुक्ति दिला सके। क्योंकि नक्सन ने यह भी कहा था, रैगनर ने यह भी कहा था कि यदि आपको गरीबी के जाल से निकलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूंजी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी एक मुश्त पूंजी का देश के अंदर क्या करना पड़ेगा, निवेश करना पड़ेगा। तो यदि आपके पास पूंजी नहीं है तो गरीबी दूर नहीं होगी, और यदि आपके पास गरीबी है तो पूंजी नहीं होगी। तो ये क्या है, एक तरीके का सर्किल हमारे पास आ जाता है। आगे यदि हम बात करें तो पुरातन सामाजिक संस्थाएं, कुछ समस्याएं हमारे देश में इसलिए भी हैं क्योंकि हम पुराने अंधविश्वासी जो ढांचे हैं उसमें बंधे हुए हैं, ठीक है। यदि हमारे देश की बात करें और एशियन देश की मैं फिर से बोलती हूँ, तो हमारे जैसे देशों में कुछ रूढ़िवादिता पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा आज से 50-60 साल पहले बात करें कि जो महिलाएं हैं, घर की महिलाएं कार्यरत नहीं होगी, जाति प्रथा काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे देश में अभी भी विराजमान है, जाति आधारित व्यवसाय है, कि कुछ लोग से ये समझते हैं कि यदि हम ये व्यवसाय करेंगे तो ये हमारे जाति के अनुकूल नहीं है, या कुछ व्यवसाय सिर्फ इन्हीं जातियों के लिए हैं, हम इन्हें नहीं करेंगे। संयुक्त परिवार, जैसे मैंने आपको कहा कि एक व्यक्ति कार्यरत है, पूरा जो रेस्टो परिवार है उस पर क्या डिपेंडेंट है। उत्तराधिकार के नियम, जैसे अभी बहरहाल उनमें चेंज आया है कि पहले सिर्फ पुरुष को ही आपके पिता की जो प्रॉपर्टी हुआ करती थी उसके अंदर क्या हुआ करता था, पार्टिसिपेशन हुआ करता था, महिला का नहीं होता था, इसलिए महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हुआ करती थी। हाल फिलहाल भारत सरकार ने इस पर काम किया है और आगे भी इस पर काम करने की आवश्यकता भी है। अगली बात करें तो आधारिक संरचना का अभाव, यानी लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सम हाउ जुड़ जाता है किससे, कैपिटल से, यानी सरकार के पास पूंजी नहीं है। पर यह कहा जाता है कि सरकार के पास पूंजी भी है, उसके बावजूद भी यदि सरकार आधारभूत सुविधाओं पर, यानी कि शिक्षा पर खर्च ना करे, स्वास्थ्य पर खर्च ना करे, आवास पर ना करे, ऊर्जा पर, यातायात पर, संचार पर, ये बेसिक एमिनिटीज़ है, यदि इस पर सरकार खर्च नहीं करेगी, लोगों को बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार नहीं कर पा रही है, तो ऐसे कम आवश्यकताओं वाले या बेसिक एमिनिटीज जिनकी पूरी नहीं हुई है, इससे विकसित होने वाला युवा या देश की जो फ्यूचर जनरेशन है वो डेफिनेटली क्या होगी, आपकी कमज़ोर होगी, जिसका देश के विकास में डेफिनेटली क्या होगा, योगदान कम होगा। तो सरकार को आवश्यकता है कि क्या, देश की आधारभूत संरचना को मजबूत करने की। यदि वो किससे निकलना चाहती है, यदि वो निरपेक्ष गरीबी से निकलना चाहती है, यदि वो विकासशील देश की समस्याओं से निकलना चाहती है और विकसित देश में बदलना चाहती है, तो
अब हम बात करेंगे आय की असमानता की। आय की असमानता की यदि मैं बात करूं तो हमने ऐसे बोला था कि आय की असमानता में यदि हम डिस्कशन करते हैं तो हम बात करते हैं कि पैसा है, यानी आपके पास में क्या है, कैपिटल है, पर उसका जो वितरण है वो असमान है। आपने थोड़े दिन पहले यदि मैं आपको पंचवर्षीय योजना में हमने एक पॉइंट पढ़ा था और वो क्या था, NDC बनाया था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया था। इसका बेसिकली काम क्या था कि देश के अंदर जितने भी संसाधन है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद का काम क्या था कि देश के अंदर जितने भी संसाधन हैं उनका वितरण समान हो, इसके लिए सरकार ने बकायदा एक संस्था बनाई हुई है NDC, और कुछ हद तक इसका काम करता है नीति जो हाल फिलहाल 2015 में बना है। इससे पहले जो करता था वो था योजना आयोग, ये सब आपको पता है। अब हम बात करेंगे कि ये सब तो ठीक है कि सरकार ने ये बना दिया है कि ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है अब वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। या सरकार ने इसके लिए क्या सा सोल्यूशन किया है वो भी डिस्कस करते हैं। सरकार ने इस आय की असमानता के वितरण के संदर्भ में जो सबसे पहला सोल्यूशन दिया वो लगाया प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। जब मैंने आपको टैक्स पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था कि आपके तीन तरीके के टैक्स होते हैं। एक होता है प्रोग्रेसिव, जहाँ आपकी आय बढ़ेगी तो आप पर टैक्स बढ़ेगा, ठीक है। एक बताया था मैंने रिग्रेसिव, एक क्या बताया था मैंने आपको रिग्रेसिव, ये इसको बोला जाता था प्रतिगामी कर व्यवस्था। इसमें क्या कहा था कि लोगों की तो आय बढ़ती है लेकिन उन पे लगने वाला कर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और एक तीसरा बताया था आपको प्रोपोर्शनेट, यानी जिसको कहा जाता था आनुपातिक, आपको याद आ रहा होगा मैंने पिछले चैप्टर्स में आपको बताया था, जिसमें मैंने कहा क्या कहा था कि आय आपकी कुछ भी हो जो आप पर लगने वाला कर है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो जो भी अच्छे देश होते हैं जिनके अंदर विकास की संभावनाएं होती है वो जनरली क्या यूज़ करते हैं, आपका प्रगतिशील कर व्यवस्था, यानी जो अमीर व्यक्ति है वो ज़्यादा कर देगा, जो गरीब व्यक्ति है वो कम कर देगा। यानी सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि देश की आय की जो असमानता है उसको दूर किया जाए, यानी कर उससे ही ज़्यादा लिया जाए जो ज़्यादा देने की क्षमता रखता है। अब बात करें नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के कुछ डेटा है और जो बड़े चौंकाने वाले, मैं इसको आपके लिए पढ़ना चाहूँगी, बाकी मैंने नोट्स में मेंशन भी किया है, इसके अंदर क्या कहा है वो सुनिए। इस रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि देश के 20% धनी लोगों के पास पूरे देश की कुल आय का 50% से अधिक हिस्सा है, जो खुद में एक चौंकाने वाली बात है। और 40% लोगों के पास, यदि बात करें नीचे के जो 40% लोग हैं भारत देश के, उनके पास केवल 15.9 या कह सकते हैं केवल 16% आय है। तो आप देख सकते हो, और एक डेटा ये भी कहा जाता है जिन्होंने नीचे मेंशन भी किया है कि देश के केवल 75 जो परिवार हैं उनके पास 1536 टॉप मोस्ट कंपनियां हैं भारत की, सरकारी कंपनियों को छोड़ के। तो वो खुद में भी क्या है, देश के अंदर आय की असमानता को बता रहा है। यानी हमारे देश में दोनों ही समस्याएं हैं, हमारे देश के अंदर निरपेक्ष गरीबी भी चल रही है, हमारे देश के अंदर सापेक्ष गरीबी भी चल रही है। भारत सरकार को दोनों पर ही काम करना होगा फ्यूचर में यदि हम देश को गरीबी से मुक्त करना चाहते हैं। तो अब उन्होंने साथ में एक अच्छी चीज़ भी बताई है कि निर्धनता को दूर कैसे किया जाए, यानी ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिन्हें अपनाकर भारत सरकार भारत को गरीबी से मुक्त कर सकती है, निर्धनता से मुक्त कर सकती है। एक क्वेश्चन अभी मुझे याद आया तो मैं आपको बता देती हूँ, एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है छोटे छोटे एग्जाम्स में कि कौन से पंचवर्षीय योजना में निर्धनता को दूर करने का नारा लगाया गया था, यानी कि गरीबी हटाओ का नारा किसने लगाया था। तो याद रखिएगा, गरीबी हटाओ का नारा लगाया था किसने, इंदिरा गांधी ने, और वो पंचवर्षीय योजना थी, वो कौन सी थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए अब हम बात करते हैं निर्धनता को दूर करने की। निर्धनता को दूर करने में पहला आता है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में समृद्धि के द्वारा निर्धनता का सामना करना। यानी कि सरकार क्या करे कि देश की आय को बढ़ाए, देश की आय को बढ़ाए, और वो आय इस तरीके से बढ़ाए कि इस आय का प्रयोग देश के जो गरीब व्यक्ति है उनकी समस्या का समाधान में प्रयोग किया जा सके। एक बहुत अच्छा इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि रोजगार रहित विकास से बचना, ये सरकार का मेन क्या है, मुद्दा है। यानी कि वो जो एक बात हमने कही थोड़ी देर पहले कि 75 परिवारों के पास
1600 कंपनियां हैं या अधिकतर जो आय का जो बैलेंस है एक किसी कोने में ट्रांसफर है वो नहीं करना है। यानी अब हमें नए नए लोगों के लिए स्टार्टअप की क्या देनी है, सरकार को सुविधा देनी है, नए नए बिजनेस को खोलने की जो क्षमता है वो आम व्यक्ति भी रख सके, सरकार ऐसी कोशिशें कर रही है। जो आपने देखा भी होगा, सरकार ने एक योजना निकाली थी मुद्रा, ठीक है, आपको याद होगा, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीजनरेशन एजेंसी, इसके तहत भारत सरकार ने 3 तरीके के लोन भी दिए थे। इसके अलावा भारत सरकार ने काफ़ी सारी स्कीम निकाली है जिसके अंदर सरकार ने सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि रोजगार और विकास सिर्फ एक कोने में संवर्धित ना रहे, देश की पूरी आम जनता इसको क्या कर सके, फ़ायदा उठा सके। आय के वितरण में राजकोषीय तथा कानूनी उपायों के माध्यम से निर्धनता का सामना करना। आय के वितरण में राजकोषीय मतलब राज्य का कोष, यानी भारत सरकार जब पॉलिसी बनाएगी वो सरकार की पॉलिसी इस तरीके से बनेगी जिससे क्या हो सके, निर्धन लोगों को ज़्यादा फायदा हो सके। राजकोषीय उपाय के अंदर आपने पढ़ा होगा, यदि आपको मैं याद दिला देती हूँ कि राजकोषीय उपाय को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो हमने की थी प्लानिंग, यानी कि आपने एक तो किया था हमने प्लान्ड और एक किया था अनप्लान्ड। और आपको याद भी आ रहा होगा प्लान के अंदर भारत सरकार की हमने क्या रखी थी, स्कीम्स रखी थी, और अनप्लान के अंदर हमने पेंशन हुआ, वेतन हुआ, ये सब रखा था। अब चैप्टर में याद, पिछला चैप्टर देखोगे तो आपको याद आ जाएगा। इसी के तहत ये क्या कह रहा है कि भारत सरकार जब राजकोषीय नीति का निर्धारण करे और उसके अंदर यदि कोई स्कीम लॉन्च कर रही है, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो मुद्रा हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो कुछ भी हो, उनको इस तरीके से प्रयोग करे ताकि आम जनता की क्या हो सकती है, आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके, उन्हें बेहतर तरीके से समृद्ध और सबल बना सके। कानूनी उपाय, कानूनी उपाय के अंदर सबसे बेस्ट जो आता है, जिसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, सरकार जिस पे काम करना चाह रही थी और जिसके अंदर प्लस माइनस दोनों ही पॉइंट आते हैं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, यानी किसी भी व्यक्ति को यदि वो कार्य कर रहा है एक मिनिमम जो अमाउंट है वो डेफिनेटली उसको पे होना चाहिए, ये कहलाता है आपका न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ठीक है। इसके अलावा कर्मचारियों को जो मिलने वाला क्या होता है, महंगाई भत्ता होता है, इसके अलावा बात करें तो जो उनका पेंशन फंड होता है, इसके अलावा सरकार ने क्या कर दिया, फ्लोर प्राइस, जिसको आप क्या बोल देते हो, MSP, जिसको आजकल सरकार किसान क्या बोल रहे हैं कि MSP डिसाइड कीजिए, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या कीजिए, आप डिसाइड कीजिए, सरकार उसके एवज में क्या डिसाइड करती है, फ्लोर प्राइस डिसाइड करती है, ठीक है। इसके अलावा कितने मैक्सिमम अमाउंट में आपका कोई भी उत्पाद बेचा जा सकता है वो सरकार डिसाइड करे, इन सब चीज़ों से साथ में उन्होंने शिक्षा का अधिकार इत्यादि इत्यादि काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आ सकती है। एंड ये सारे सरकारी उपाय जो राजकोषीय नीति का भाग बन जाते हैं, यदि सरकार इन पर अच्छे तरीके से कार्य करती है, टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करते हुए काम करती है, तो हो सकता है हमारे देश की गरीबी डेफिनेटली क्या हो सकती है, दूर की जा सकती है। जो पहले भी हमने एक समस्या को देखा था और फिर से देखते हैं कि जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है और हमारे जैसे देश के लिए तो बहुत है। यदि हम बात करें, हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम विश्व की 5वीं बड़ी सबसे अर्थव्यवस्था है, लेकिन अब भी बात करें तो हमारे पास प्रति व्यक्ति जो हमारे पास में क्या आती है, सुविधाएँ आती है, वो वर्ल्ड में टॉप 30 देशों के बाद आती, 30 देशों के बाद आती है, और ये खुद में चौंकाने वाली बात है। ये फिर से वही हो जाता है कि देश भले ही कितना विकास कर ले, यदि जनसंख्या का जो होने वाला डिवाइडेशन है, जो जनसंख्या का जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो यदि ज़्यादा होता चला जाएगा तो ये विकास को कम करता चला जाता है, इसके प्रभाव को कम करता चला जाएगा। तो देश को आवश्यकता है, सरकार को आवश्यकता है, स्वयं लोगों की भी सेल्फ आवश्यकता है कि जनसंख्या वृद्धि को आपको क्या करें, कंट्रोल करें। इसके लिए सरकार हो सकता है 2-child policy बना ले, जो काफ़ी देश के लोग फॉलो करते हैं और हमारे देश के अंदर भी इस पर बात चल रही है, ठीक है। परिवार यदि आपका छोटा होगा तो परिवार समृद्ध रहेगा, परिवार छोटा होगा तो उसमें हर एक परिवार के अंदर कम से कम एक व्यक्ति कार्यरत होगा, यानी उस पर एक परिवार के ऊपर लॉजिकली अब सिर्फ 3 व्यक्ति ही डिपेंडेंट रहेंगे, जो भारतीय समाज में लगभग 5 है। और परिवार छोटा होगा तो बच्चों का लालन पालन पोषण एजुकेशन सब इत्यादि क्या होगी, थोड़ा बेहतर तरीके से होगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से देखा जा सकता है कि फ्यूचर के लिए भी 2-child policy या फिर जनसंख्या का नियंत्रण एक प्रभावी कारक हो सकता है और भारत सरकार को भी हर परिवार तक अपनी फैसिलिटीज़ को पहुँचाना आसान हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं निर्धनों के जीवन में गुणवत्ता, यानी जो व्यक्ति ऑलरेडी निर्धन है उसके लिए सरकार क्या कर सकती है, ठीक है।
निर्धनता के अच्छा ये अब आपका पॉइंट नेक्स्ट आएगा निर्धन अच्छा निर्धनों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के अन्य उपाय। ये उपाय आपने देख लिए, ये उपाय भारत सरकार के हैं जो भारत सरकार कर रही है। इसके अंदर क्या कर रही है भारत सरकार, जो बहरहाल कार्यरत है काम कर रही है। अब इससे पहले हमने जो देखा वो देखा कि सरकार क्या क्या कर सकती है, अब हम बात कर रहे हैं सरकार ऑलरेडी क्या क्या आपके लिए कर रही है। हमारे देश के अंदर तीन बड़े क्षेत्र आपको पता है, कृषि क्षेत्र आ जाता है, औद्योगिक क्षेत्र आ जाता है, सेवा क्षेत्र आ जाता है। कृषि क्षेत्र की बात करें तो देश का सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या जहाँ कार्यरत है वो है आपका कृषि क्षेत्र। दूसरा एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है कि सबसे कम उत्पादकता भी किसकी है, कृषि क्षेत्र की। एक और पॉइंट आता है कि इसी कृषि क्षेत्र में क्या पाई जाती है, आदर्श या छिपी बेरोजगारी, अदृश्य या छिपी बेरोजगारी। ये तो हुआ कृषि क्षेत्र के बारे में। सरकार इसके अंदर क्या कर सकती है, सरकार इसको डेवलप कर सकती है यानी यंत्रों के प्रयोग को बढ़ा सकती है। लेकिन फिर एक पॉइंट आता है कि हमारे देश में जो कृषि की जोत है वो काफ़ी छोटी है, यानी कृषि की ज़मीनें काफ़ी छोटी है, उसमें ज़्यादा बड़े यंत्रिक नहीं उपराज जा सकते, यानी ज़्यादा बड़े यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकता जैसे अमेरिका जैसे देशों में किया जाता है। तो भारत सरकार थोड़ा बहुत यंत्रीकरण कर सकती है, यानी ट्रैक्टर थ्रेशर इत्यादि का प्रयोग कर सकती है, जो सरकार कर भी रही है। इसके अलावा सरकार क्या कर रही है, जो भूमिहीन किसान है उनको ज़मीनें देकर कर सकती है काम, बेहतर तरीके के बीज सब्सिडी, आपने सुना होगा किसान सम्मान निधि जो 2,000 रुपये करके 6,000 पूरे साल में दे रही है सरकार। तो ये सारे काम बहरहाल सरकार कृषि के विकास के लिए कर रही है। कीमतों में स्थिरता, सरकार कोशिश करती है कीमतों में स्थिरता रखी जाए। इसलिए आपने कभी कभी देखा होगा यदि किसी चीज़ की किसी बेसिक चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो सरकार सब्सिडी देकर उसके क्या करती है, उसकी कीमत को कंट्रोल करने की नियंत्रित करने की कोशिश करती है। इसमें क्या कह रहे हैं, खाद तथा अन्य सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में क्या की जाए, वृद्धि की जाए। यानी कीमतें यदि आपको नहीं बढ़ानी है तो उत्पादकता आप क्या कर दो, बढ़ा दो, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो आपका प्राइस है वो डिमांड सप्लाई पर डिपेंड करता है, ठीक है, डिमांड सप्लाई पर डिपेंड करता है। यदि आपकी सप्लाई ज़्यादा होगी तो डिमांड बैलेंस हो जाएगी और आपकी कीमतें नहीं बढ़ने वाली है। निर्धन वर्ग में असामान्य उपभोग वाली वस्तुओं का वितरण उचित मूल्य की दुकानों पर, यानी निर्धन वर्ग जो गरीब व्यक्ति है सामान्यतः जिन चीज़ों का अधिकतम उपभोग करता है, सरकार क्या करे उन उपभोग करने वाली वस्तुओं का जो मूल्य है उसको क्या करते हैं, फिक्स कर दे, ताकि जो ये निर्धन व्यक्ति है उस पर ज़्यादा इकोनॉमिकली यानी कि जब मुद्रास्फीति आती है महंगाई आती है उसका प्रभाव कम रहे। बेरोजगारी का सरकार क्या करे, उन्मूलन करे। तो इसके लिए क्या कर सकती है सरकार, सरकार उद्योग धंधे स्थापित कर सकती है, साथ ही सरकार ऐसे उद्योग धंधे स्थापित कर सकती है जहाँ रोजगार ज़्यादा देने की क्षमता हो, जहाँ रोजगार क्या हो, ज़्यादा देने की क्षमता हो। साथ साथ जो शिक्षित बेरोजगारी हमारे देश की एक बहुत बढ़ती हुई समस्या होती जा रही है, इसके समाधान के लिए जो एजुकेशन वो इस तरीके से दिया जाए जिसका टेक्निकली प्रयोग वो अपने जीवन में कर सके। उत्पादन तकनीक में क्या किया जाए, आपका परिवर्तन किया जाए। गुरनाम बिडल ने सिर्फ ये कहा था कि भारत जैसे देश को ऐसे रोजगार की आवश्यकता है जो श्रम प्रदान हो ना कि तकनीक प्रदान। यानी कोई भी ऐसी तकनीक, जो भी ऐसी तकनीक जिसके अंदर श्रम ज़्यादा लगे, भारत सरकार को वो अपनाना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा भारत सरकार ने कुटीर उद्योगों पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है, बकायदा एक डिपार्टमेंट सरकार ने बनाया है खादी ग्रामोद्योग का, आपने नाम भी सुना होगा, ये उसी के लिए है। क्योंकि देश के काफ़ी बहुत बड़ा जो आपका वर्किंग लेबर है वो वहाँ काम पर करता है। निर्धनों की आधारभूत जो सुविधाएं हैं सरकार ने क्या क्या प्रोवाइड की है, पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक शिक्षा इत्यादि को सरकार ने सुनिश्चित करने की बात की है, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा आपने सुना होगा कि 2005 के अंदर भारत सरकार ने अमेंडमेंट किया था, 86वां शायद अमेंडमेंट था, और क्या कहते हैं बेसिक शिक्षा को हमने मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 के का के अंदर इंक्लूड कर दिया था। पिछड़े क्षेत्रों पर ध्यान, यानी कुछ ऐसे क्षेत्र जिन्हें बीमारू क्षेत्र कहा जाता है या बीमारू राज्य कहा जाता है, उनके विकास के लिए सरकार ने अलग से एफर्ट किए हैं। इनमें यदि बात करें तो आता है उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वोत्तर के राज्य जिन्हें आप क्या कहा जाता है, वो 7 सिस्टर्स कहा जाता है, 7 बहनें कहा जाता है। इनके लिए सरकार ने विशेष सुविधाएँ दी हैं, समय समय पर विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा भी भारत सरकार करती रहती है। फिर आता है हमारा PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो विश्व का सबसे बड़ा क्या बोला जाता है,
रोजगार प्रदान करने वाला सिस्टम कहा जाता है, खाद्य प्रदान करने वाला, सॉरी, रोजगार के लिए मनरेगा आता है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, खाद्य के लिए आपका PDS भारत का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो आता है, जहाँ आपने सुना होगा 2 रुपये किलो चावल, 1 रुपये किलो दाल इत्यादि जो आपने सुना है वो इसी के अंतर्गत आता है। अब इन्होंने बताया है कि भारत क्या है, निर्धनता के रैंक में 26वें पायदान पर है। डेटा यदि मैं अभी बात करूं तो चेंज हो गया है, और आपको मैं पहले ही बता देती हूं, इसको आप अपडेट करके याद करेंगे, और हो सकता है एक चैप्टर मैं लास्ट में एक लूँ जहाँ आपके जो इंडेक्सेस हैं, जो सूचकांक से हम डिस्कस करेंगे आपके, तो वहाँ हो सकता है कि इसको हम दोबारा से देखें, ठीक है। अब भारत सरकार ने स्कीमें कौन सी चला रखी, वो सरकार के क्या थे कार्य, इन सरकारों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने कौन सी क्या की, आपके यहाँ पे योजनाएं चलाई है उनकी बात हम करेंगे, और ये फिर से आपके यहाँ पे योजनाएं कवर भी हो जाएंगी और साथ ही साथ में आपका करंट अफेयर में ये काम करेगा। निर्धनता के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा चलाई गई पूरा जो आपके मुख्य कार्यक्रम है वो, हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि तोमर और आपका स्वागत है इकोनॉमिक्स के इस डिटेल्ड सेशन में। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान संतुलन। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के एस्पेक्ट से, क्योंकि बच्चों को जनरल डिफरेंस नहीं पता रहता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, और जो दोनों वाले करंट अकाउंट और आपका जो दूसरा अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट, उसमें डिफरेंस क्या होता है। हम बार बार सुनते रहते हैं न्यूज़ में क्या है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सरकार का इतना है इतना नहीं है, बार बार इकोनॉमिक्स में भी देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात होती है, बट हमें इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता होती। तो आज हम बात करेंगे एग्जैक्ट डेफिनेशन की, तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम लोग इसके जो डिटेल्ड है उस पर चलेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है किसी भी देश की बाउंड्री में रहने वाले लोग, किसी भी देश की बाउंड्री के अंदर रहने वाले लोग जो एक वर्ष में यानी एक साल के दौरान क्या करते हैं, जो लेन देन करते हैं उस बाउंड्री के बाहर, एक देश के अंदर रहने वाले लोग, यानी कि यदि भारत की हम बात करेंगे तो भारत की बाउंड्री में भारतीय तो रहेंगे, किसी अन्य देश के नागरिक भी हो सकते हैं पाकिस्तानी रहे, हो सकते हैं अमेरिकन रहे, यानी ये सारे के सारे अभी क्या है रेजिडेंस है, कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं निवासी जो लोग हैं उनकी बात करेंगे। यहाँ हमने क्या बोला है, हमने यहाँ पे नागरिकता की बात नहीं की है, हमने निवासी होने की बात की, तो यहाँ पे नागरिकता पे फोकस नहीं करना है, निवास पर फोकस करना है। तो मैंने क्या कहा कि एक वर्ष के दौरान भारत के अंदर जो बाहर क्या कर रहे हैं जो निवास करने वाले लोग हैं वो शेष विश्व के साथ यानी कि किसी भी अन्य देश के साथ जो वस्तुओं व सेवाओं का लेन देन करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का जो लेन देन करते हैं उन सबका जो विवरण दर्ज किया जाता है, उन सबका जो लेखा जोखा रखा जाता है वो किस में रखा जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, किस में रखा जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। दोबारा से देखो, मैंने क्या कहा, किसी भी देश के अंदर निवास करने वाले निवासी, ठीक है, जैसे हम निवासी बोलेंगे नागरिकता को हम लोग रिमूव कर देंगे, किसी भी देश के अंदर निवास करने वाले निवासी जब एक निश्चित समय अंतराल यानी एक वर्ष के दौरान शेष विश्व के साथ में क्या करते हैं, न से वस्तुओं या सेवाओं का जो लेखा जोखा करते हैं पूरे वर्ष के दौरान, वो लेखा जोखा जहां लिखा जाता है उस अकाउंट को कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि भुगतान संतुलन। एक तो बच्चों बात हुई ये वाली, यानी कि आपको यहाँ डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक चीज़ और मैं यहाँ पहले ही बताती हूँ आपको, हर देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करता है उस देश का केंद्रीय बैंक, हर देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट को कौन मेंटेन करता है, उस देश का केंद्रीय बैंक, हमारे केस में कौन है, हमारा केंद्रीय बैंक RBI करता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो अमाउंट लिखा जाता है, जो अमाउंट शो किया जाता है वो रहता है डॉलर में, पूरे विश्व में ही डॉलर में रहता है, तो हमारे देश में भी डॉलर में रखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। तो दो एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ निवासी की बात करेंगे, नागरिकों की बात हम नहीं करेंगे, यानी हमारे इंडिया में आके यदि कोई पाकिस्तानी क्या बोलते हैं प्लेयर रहने लग जाए या सिंगर रहने लग जाए, उसका जो अमाउंट होगा वो भी किस में काउंट होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में काउंट होगा। अब देखते हैं क्या क्या बोला है, भुगतान से इसका अभिप्राय ऐसे सांख्यिकी विवरण से होता है जो एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश के निवासियों, ना कि नागरिकों,
निवासियों के विश्व के सातवें मौद्रिक लेनदेनों का लेखांकन का रिकॉर्ड रखता है। और ये रिकॉर्ड कौन रखता है? आरबीआई रखता है। किस में रखता है? तो डॉलर में रखता है। एक और चीज़, किसी भी देश का जो पेमेंट है वो सरप्लस में कब रहेगा? ऑब्वियसली सरप्लस में पेमेंट कब रहेगा? जब जो पैसा है, जो आपका अमाउंट है, जो पैसा है उसका आयात आपके देश में ज़्यादा होगा और उस पैसे का जो निर्यात है कम होगा। और उत्पादन की बात करेंगे तो ये जो आपका साइन है वो उल्टा हो जाएगा कि यदि उत्पादन का निर्यात ज़्यादा करेंगे और आयात कम करेंगे तब होगा क्या? सरप्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ एस्पेक्ट में आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कि बहरहाल पैसे की बात कर रहा है क्योंकि उत्पादन की बात करता तो ये सिंबल क्या हो जाता? उल्टा हो जाता। ठीक है, यदि पैसा का जो निर्यात है, जो पैसे का निर्यात है वो क्या हो रहा है? ज़्यादा और आयात कम होता है तो घाटे में चला जाएगा व्यापार। मेरे हिसाब से आप इसको उत्पादन में रखेंगे तो सिंबल उल्टा कर लो तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। कॉमन सेंस की बात है, ज़्यादा क्या करोगे? खर्च करोगे, कम कमाओगे तो घाटे में रहोगे। ठीक है, और आप क्या करोगे? कम खर्च करोगे, ज़्यादा कमाओगे तो सरप्लस में रहोगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं। ये तीन अकाउंट मैं आपको तब एक्सप्लेन करूंगी, पहले मैं आपको उसका चार्ट दिखाती हूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या किया जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो आपने अभी पढ़ा कि डेफिनेशन जिसकी आप पढ़ी, इसमें तीन खाते होते हैं बच्चों। एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, मेरा मुद्दा सिर्फ ये है एक्सप्लेन करने का, यदि आप ये चार्ट समझ लेते हो तो उनमें इनकी जो मैटर है, जो उसका आपका डिस्क्रिप्शन है उसमें यही मैंशन है। तो जब आप करंट अकाउंट की बात करोगे, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट तीन पार्ट में होता है, करंट अकाउंट में, सीए में, कैपिटल अकाउंट में, पूंजी खाते में और फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर। तो जो आपका करंट अकाउंट है ये क्या करता है बेटा? करंट अकाउंट बेसिकली आपको क्या बताता है? ये बताता है कि जो साल भर के अंदर किसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर, यानी एक वर्ष के दौरान, यानी कि ये करंट अकाउंट हर साल का निकलेगा आपका। क्या निकलेगा? हर साल का निकलेगा। एक वर्ष के दौरान जितना भी आपने आयात और निर्यात किया है, किसका? कुछ विजिबल चीज़ों का और कुछ नॉन विजिबल चीज़ों का। विजिबल चीज़ें का मतलब होगा यदि आपने कोई सामान निर्यात किया है, कोई उत्पाद निर्यात किया है, उसके बदले में यदि आपके पास पैसा आया है जिसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहोगे, वो करंट अकाउंट में जोड़ा जाएगा। ठीक है, नहीं दिखने वाली कौन कौन सी चीज़ें? मान लीजिए कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब बाहर यदि आपके साथ में कुछ, यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ कुछ ट्रेजेडी हो जाती है और उसके बाद में उसका जो कंपनसेशन है भारतीय व्यक्ति को मिलता है, या किसी घर के ढह जाने के बाद में अमेरिका में अमेरिकी व्यक्ति था जो भारत में रह रहा है और उसका घर ढह जाता है किसी कारणों से, तो वहाँ यदि अमेरिकन सरकार उसको कुछ अमाउंट पे करती है तो क्या होगा? मुआवजा। यदि कोई भारतीय व्यक्ति, यानी भारत का निवास करने वाला व्यक्ति, चाहे वो भारतीय चाहे किसी भी देश का हो, यदि उसने कहीं निवेश कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उससे कुछ कमा रहा है, तो वो भी क्या होगा? आपका इनविजिबल होगा, जो आपको दिखाई नहीं देगा। यदि उसने शेयर में पैसा लगा रखा है, उसको डिविडेंड मिलता है, तो कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। यदि वो खुद की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रॉफिट कमाती है, तो भी क्या आ जाएगा? इनविजिबल में आएगा, वो आपको नहीं दिखेगा। इंटरेस्ट, यदि उसने किसी को क्या दे रखा है? लोन दे रखा है, उसके बदले में ब्याज कमाता है, तो इस तरीके से की गई सारी कमाई आपकी क्या आती है? नॉन विजिबल में आती है। इसके अलावा क्या बात करें तो गैर सेवाओं के बदले में कौन कौन से कारक हैं? तो आप देखोगे जो शिपिंग होती है उसके बदले में, जो शिपिंग आप करते हो सामान की इधर से उधर, उसके बदले में जो आपके पास अमाउंट होता है वो भी क्या कहलाता है? इनविजिबल आता है। बैंकिंग सेक्टर सबको पता है कि इसमें आता है, सेवाओं में आता है। सेवाएँ क्या होती है? दिखती नहीं और आप छू भी नहीं सकते, ना ही तो सेवाओं को आप देख सकते हो ना ही छू सकते हो, ये हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था। तो शिपिंग हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, सारी की सारी क्या है? सेवाएं हैं। निजी जो भुगतान किए जाते हैं, यानी गिफ्ट वगैरह जो दिए जाते हैं अपने परिवारजनों को या अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं या आप किसी को भी दे रहे हो, तो वो जो है गिफ्ट्स हुए, जो रेमिटेंस हुई, जो ग्रांट्स हुए, ये सारे भी क्या आ जाएंगे? आपके इनविजिबल में आ जाएंगे, जो दिखते नहीं है। ये भी सारे अकाउंट होंगे आपके कहाँ? करंट अकाउंट के अंदर। इसके अलावा करंट अकाउंट में क्या आता है? ये तो हुआ प्राइवेट का, ऐसे ही ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से या किसी कंपनी की तरफ से यदि अपने एम्प्लॉय को क्या दिया जा रहा है? गिफ्ट, रिमिटेंस या ग्रांट दिया जा रहा है, तो वो भी आपका किस में कैलकुलेट होगा बच्चों? करंट अकाउंट में कैलकुलेट होगा। तो यदि आपसे पूछते हैं करंट अकाउंट में क्या क्या कैलकुलेट होता है, तो आप याद रखोगे क्या? बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी जो व्यापार हो रहा है, सामान का आयात निर्यात हो रहा है, वो तो आप क्या कर रहे हो? ऐड कर ही रहे हो। इसके अलावा सेवाएं ऐड करोगे, इसके अलावा आपने क्या कर रखा है?
कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, प्रॉफिट, इंटरेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा जितनी भी सेवाएं आपके दिमाग में याद आती है आप वो सारी ऐड कर लोगे और इनको गिफ्ट, रेमिटेंस और ग्रांट, चाहे प्राइवेट सेक्टर की हो चाहे ऑफिशियल या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ दी गई हो, वो सारी की सारी किस में आती है? चालू खाते में आती है। चालू खाता फिर से बताते हैं, हर साल के लिए बनता है, क्या ना, हर साल बताया जाता है कि हमारा कितना चल रहा है। कैपिटल अकाउंट बेटा लाभ कंप्लीट होता है, यानी जब से देश ने कमाना शुरू किया है और जितना देश अब तक कमा रहा है उसका प्लस माइनस करके जो इस साल चलेगा, यानी कि सन 1947 से अभी तक का जो बैलेंस होगा वो कहाँ कैलकुलेट होगा? यहाँ कैलकुलेट होता है। तो कैपिटल का मतलब आपको पता ही है कि लॉन्ग टर्म के लिए जो क्या पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, लिया जाता है या दिया जाता है, वो किस में आता है? कैपिटल के अंदर माना जाता है। तो आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाला चैप्टर चूंकि पढ़ लिया है तो आपको समझ आ रहा होगा क्या कि FDI और जो FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो कंपनीज थी, ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके देश में रिलाई करती है, यानी आप, मैंने कहा था म्यूचुअल कंपनीज, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस वगैरह जो होता है वो इसके अंदर आता है। अब फॉर FDI क्या होता है? हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, दीर्घकालीन होता है, वो भी इसी के अंदर आ जाता है। एक्सटर्नल असिस्टेंस का मतलब है जब बाहर से कोई बैंक या कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको लोन दे देता है, जैसे आपने देखा न्यू डेवलपमेंट बैंक ने लोन दे दिया या संघाई कॉरपोरेशन ने कोई लोन दे दिया या वर्ल्ड बैंक ने कोई लोन दे दिया, वो सारा इसके अंदर आएगा। इसके अलावा भारत सरकार कई बार उधार लेती है, बाहर से क्या करती है, पैसा उधार लेती है, वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। IMF ने यदि कुछ पैसा दिया है या आपने IMF के अंदर आपने कुछ पैसा रखा है तो भी किसके अंदर आएगा? इसके अंदर आएगा। और NRI के जो डिपॉजिट खाते होंगे वो भी इसके अंदर आएंगे, यानी ये होल सोल मोटा मोटा अमाउंट बताएगा कि देश की स्थिति परिस्थिति कितनी है। फिर आता है बच्चों आपको क्या, फाइनेंशियल अकाउंट, वित्तीय खाता। वित्तीय खाता क्या होता है? ये बताता है एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत देश के अंदर विदेशों से जितना भी हुआ है, कैसे भी हो, चाहे वो FDI की फॉर्म में हो, चाहे FII की फॉर्म में हो, चाहे पी नोट्स की फॉर्म में हो, सारा का सारा किस में आ जाता है? फाइनेंशियल अकाउंट में आ जाता है। जैसे कि इन्होंने बोला है कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी आ गया है, आपका रिवर्स एसेट्स भी इसके अंदर आ गए हैं। तो यदि आप ये चार्ट समझ पा रहे हो कि चार्ट के अंदर क्या हो रहा है, तो तीन तरीके के हमारे बेसिकली हमने अकाउंट डिस्कस किए जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आते हैं। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो हम सब कुछ ही लिख रहे हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब तो हर चीज़ हो गई, जो कुछ भी कर रहे हो, आप लोन ले रहे हो, चाहे आप खर्च कर रहे हो, चाहे कहीं पे जब कुछ कमा रहे हो, चाहे आपको कोई कंपनसेशन मिल रहा है, चाहे आपको कहीं से ब्याज मिल रहा है, सब कुछ मिला जुला के बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो आएगा। लेकिन फिर भी डिफरेंशिएट करने के लिए इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है करंट खाता, एक है कैपिटल, एक है फाइनेंशियल। ठीक है, कैसे याद रखोगे? करंट में बोलोगे, करंट को सिर्फ पहली चीज़ याद रखो, विजिबल और नॉन विजिबल से पहले तो डिवाइड याद रखना है। विजिबल में जो सामान हमको दिख रहा है, आ रहा है, जा रहा है, जिसका मोटा मोटा पैसा आ रहा है और जा रहा है, दिखाई दे जो सामान हमें दे वो तो रख दोगे इसके अंदर। ठीक है, इनविजिबल में फिर आप कन्फ्यूज होते, तो इनविजिबल में कन्फ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। से बेसिक सा चीज़ याद रखोगे, ये तो चार चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी, कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, प्रॉफिट, इंटरेस्ट नहीं दिखाई देता है। ठीक है, सेवाओं में आप इतनी सिर्फ तीन सेवाएं रखी, आप कितनी भी सेवाएं रख सकते हो जितनी भी आपको याद रह जाए। अब रह जाता है क्या, प्राइवेट जो आपका पेमेंट ट्रांसफर है, तो एक बार इसको प्राइवेट के कॉन्सेप्ट में याद रखोगे, एक बार किसके, आधिकारिक के याद रखोगे, क्या या तो उपहार मिलता है कंपनी की तरफ से, या रेमिटेंस मिलती है, या मिलती है ग्रांट। ठीक है बच्चों, अब बात आओगे कैपिटल, तो आपको समझ में आ रहा है लॉन्ग टर्म अकाउंट है, हमेशा का चलने वाला अकाउंट है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? बाहर से जितना आपके पास में पैसा आया है, या सर बाहर से कोई आपके पास हेल्प आई है, बाहर से हमने कोई उधारी ली है, या बाहर से एक जो IMF का बैंक है उससे हमने कुछ लिया है, या बाहरी लोगों का आपका पैसा जमा है, यानी कि NRI लोगों का पैसा जमा है, तो बाहरी से याद रख लेना, इसमें सब कुछ बाहर से आने वाला है। फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या है, कुछ बाहर का है, कुछ अपना भी है। बाहर से आने वाला एक तो इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी क्या है, बाहर का है, ये अपना खुद का है कि हमने रिवर्स एसेट हमारे पास जो रख रखे हैं वो। अब हम इनकी डेफिनेशन को समझते हैं कि उनमें हमें क्या मिलता है। तो हमने यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन तो समझ ली थी, हमने क्या बोला था भाई, एक साल के अंदर देश के अंदर जो भी निवासी का है वो क्या कर रहे हैं, बाहर के किसी अन्य देश के साथ कोई भी वस्तु या सेवाओं का जो लेन देन कर रहे हैं उसका जो लेखा जोखा लिखा जा रहा है वो कहाँ लिखा जा रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में लिखा जाता है। फिर हमने तीन अकाउंट पढ़े थे, तो उसमें से पहला कौन सा था, करंट अकाउंट। इसमें क्या होता है, वस्तुओं का सेवाओं का आयात व निर्यात लिखा जाता है, कर्मचारी व विदेशी निवेश से प्राप्त आय और खर्च लिखी जाती है, विदेशों से प्राप्त अनुदान राशि, उपहार, विदेशों में बसे हुए जो कामगार होते हैं, जैसे कि मान लीजिए सऊदी अरब में कोई चला गया काम करने, वो जो अपना पैसा वगैरह भेजते हैं वो भी कहाँ आता है, करंट अकाउंट के अंदर आता है।
वहीं कैपिटल अकाउंट यानी पूंजीगत खाते की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, देशों के बीच सभी पूंजीगत लेन देनों की निगरानी कौन करता है, पूंजीगत खाता करता है। इसके अंदर क्या आती है, गैर वित्तीय संपत्ति की खरीद व बिक्री भी क्या हो जाती है, शामिल हो जाती है। इसके अलावा सरकार ने यदि कोई निजी या सार्वजनिक क्षेत्रों से कोई ऋण लिया है वो आ जाता है। गैर निवासियों द्वारा कॉरपोरेट शेयर जो बाहर से क्या कर रहे थे, वो FII और FDI जो आ रहा था वो इसके अंदर आ जाएगा, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा भी था। और इस पर नियंत्रण कौन रखती है, RBI रखती है। वैसे पूरे के पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे जो नियंत्रण है वो RBI ही रखती है, इसमें कोई अलग से बात नहीं है। वित्तीय खाते की बात करें तो वित्तीय खाते के अंदर क्या था, रियल इस्टेट आया था, व्यावसायिक उद्यम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो हमने कहा था, मैंने कहा था FII FDI आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। जितना भी हमारे अंदर देश के अंदर निवेश आ रहा है किसी भी फॉर्म में वो इसके अंदर आ जाएगा। इसके अलावा घरेलू जो गवर्नमेंट के पास परिसंपत्ति है उसको भी इसके अंदर क्या कर लिया जाता है, कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो फिर से एक बार यदि हम देखते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें समझ में आ गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट कितने पार्ट में डिवाइड है, तो आप बोलोगे 3 पार्ट में डिवाइड है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट। करंट अकाउंट को कैसे याद रखा था, हमने 3 पॉइंट याद रखे थे, एक तो विजिबल वाला पॉइंट याद रखा था, एक नॉन विजिबल वाला सर्विस वाला था इसके अंदर, और बाकी ये कंपनसेशन डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट थे। और एक हमने पॉइंट क्या याद रखा था, वो वाला आपका क्या था, आपका जो गिफ्ट्स थे, जो आपके क्या बोलते हैं ट्रांसफर था, फंड ट्रांसफर था, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट के फॉर्म में था, जिसको हमने क्या रखा था, उपहार था, प्रेषण था, अनुदान था। वहीं हमने पूंजीगत खाते को याद कैसे करने की कोशिश की थी, कि जो भी बाहर से इंडिया में पैसा आए वो सारा याद कर लो। तो FDI और FII बाहर से आया, एक्सटर्नल हेल्प आ गई, बाहर से हमने कुछ उधारी लिया, IMF का जमा, बाहर जो NRI रहते हैं भारतीय लोग उनका पैसा, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया था, बाहरी भी था और अपना भी था, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट था, और गवर्नमेंट के खुद के रिजर्व एसेट्स थे। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये डिफरेंशिएशन बस कुछ भी मत याद रखना, आप तो ये डायग्राम याद रखना और बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन याद रखना, ये चैप्टर आपका सॉर्ट आउट हो जाता है, ठीक है बच्चों। वैसे इस चैप्टर को टीचर्स छोड़ देते हैं, बट मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें बच्चे हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं। आई थिंक अब आप क्या होंगे, कन्फ्यूजन क्लियर होगा। इस चार्ट को 3-4 बार देखो, 4-5 बार इवन तो पढ़ो, बोलने की कोशिश करो, ये याद हो जाएगा, इसमें खास कुछ भी नहीं है। बाकी छोटी छोटी ट्रिक मैंने आपको बता दी, इसके हमने फिर से देख लेते हैं ट्रिक क्या, हमने बोला था क्या, विजिबल दिखने वाली चीज़ें, नॉन विजिबल। फिर हमने क्या बोला था कि हमें क्या मिले, गिफ्ट मिलेंगे, 3 फॉर्म में मिलेंगे गिफ्ट, रेमिटेंस और ग्रांट, एक तो होंगे गवर्नमेंट के, एक होंगे प्राइवेट के। यहाँ हमने क्या बोला, बाहर से जो कुछ आए वो, यहाँ हमने बोला बाहर से आए प्लस हमारा जो इंडिया का हो वो। तो ये टोटल मिला के आपका ये चैप्टर यहाँ पर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। छोटा सा चैप्टर था लेकिन एग्ज़ाम के एस्पेक्ट से और इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था।